आ, इन्वोकेशन कर ले फिर उसके बाद आप आ, और डब, वो स्तुति वाला पार्ट इन्वोकेशन के पहले से ही रिकॉर्ड करना है ना नहीं रिकॉर्डिंग के हाँ वो रिकॉर्डिंग का तो है मैं पूछ रही थी माँ इन्वोकेशन के बाद ही इमीडिएटली आप स्तुति वाला पार्ट करेंगे ना उसके बाद हम सेशन कंटिन्यू करेंगे नहीं स्तुति तब होगी जब at least 80 members कर माँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हरे कृष्णा एवरीवन लेट्स स्टार्ट Uh, हम लोग को इन्वोकेशन से स्टार्ट करेंगे तो जिन लोग को भी ज्वाइन इन हो रहे हैं प्लीज शांत होकर एक जगह पे बैठ जाइए एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं सुपर स्ट्रांग इन्वोकेशन प्रेयर राधे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम जय शनिदेव ओम गणेशाय नमः श्री गुरुदेव दत्त जय माँ चामुंडा आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव मी प्रोटेक्शन एंड हेल्प मी इन ऑल माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसस थ्रू आउट द एंटायर डे एंड नाइट May all the obstacles be neutralized and removed. May the fruits of the practices come to me and not be stolen or utilized by any unauthorized energies. May any negative portal be closed with the help of Lord Jesus Christ and not allowed to open throughout the entire day and night may i be guided by only you or your authorized servants and devotees so be it so be it so be it <laughs> आगे चलते हैं जैसे हम सबको पता है आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन हम सबको पता है हमारे सबसे प्यारे पापा कृष्णा जी ही है तो आज स्पेशल ओकेजन है और उनके लिए एक स्पेशल स्तुति भी है आ, लेकिन जैसे माँ के साथ हम लोग को डिस्कस रहे थे तो 80 मेंबर्स प्लस हो जाए फिर हम लोग आते हैं लेकिन माँ अभी 84 आ रही है मेंबर्स तो एक काम कर एक खत स्लाइड कर ले फिर स्लाइड स्लाइड मैं था। 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 दो, दो स्लाइड है मैं खत्म कर देती हूँ फटाक से हाँ मा डन हाँ दो स्लाइड खत्म कर मुझे अभी तक तो ग्रीन टिक नहीं आ रहा है ठीक है मैं डन आपको जब ग्रीन टिक आएगा आप बताना मैं कंटिन्यू करती हूँ तो हम लोग को माँ आज कृष्णा जी के ब्लेसिंग्स और माँ मा यहाँ पे है और सारे हायर बिग्स हम सबको पता है सारे हायर बिंग्स भी आते हैं उनके ब्लेसिंग्स के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं जो लास्ट दो स्लाइड्स है अपने ज्ञानेश्वरी गीता के वो हम कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में जो हमने ये वाला स्लाइड देखा था परमानेंट क्या है इन क्या है ये हम अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें क्योंकि ये तो नॉलेज सब जगह है माँ ने तब तुरंत हमको रोक के समझाया था कि ये नॉलेज तुम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं अगर आप लोग स्निपेट सुन चुके हो प्लीज जिन लोगों को सुने नहीं हो आप वापस से जाके स्निपेट सुनो उसको एकदम आत्मा में बसाओ और फिर कमेंट करो ये नहीं कि हमने सुन लिया था तो जाके कुछ कमेंट कर दिया या फिर सुन लिया है तो क्यों सुनने की जरूरत है जितने बार जितने बार हम सुनेंगे ना तो वो जो रियल लाइफ सिचुएशन है जो माने हमको समझाया जब हमारे लवर्स के साथ झगड़े होते हैं या किसी के साथ अनबन होती है हम तुरंत वो नॉलेज लगा पाते हैं क्या ये परमानेंट नहीं है ये ये तो ट चीज है तो मैं शांत हो सकती हूँ हमको लगता है ये परमानेंट है तो हम शांत नहीं होते हैं और उत्तेजित होते हैं और घमासान चीजें करना चालू कर जाते हैं तो दिस इज हाउ माय ब्रेक्स अप द नॉलेज हमारे डे टू डे कोर लाइफ में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो प्लीज आप लोग वापस जाके वो ऑडियो सुनिए आगे चलते हैं ये लास्ट के कुछ अ ज्ञानेश्वरी गीता के पार्ट टू के कुछ अंश बचे हुए थे तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं जहां पे यहां तक हमको समझ में आ टेम्पररी है, 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 है यहाँ पे कौन परमानेंट है एक आत्मा परमानेंट है तो आत्मा पे फोकस करने को ही बोला जा रहा है जैसे रेडिकल फॉरगिवनेस में माँ हमको समझाती है कि हम एक स्पिरिट डिवाइन वर्ल्ड में हम अपने आप को रख सकते हैं जब हम इस uh, सांसारिक जीवन में अपने आप को धसाते जाते हैं धसाते जाते हैं तो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में आ जाते हैं बट वर्ल्ड ऑफ डिविनिटी एक चीज है जो हमको पूरा लिफ्ट करके रखती है और वही हमको हर चीज में स्टेबल रहना भी सिखाती है तो वर्ल्ड ऑफ डिविनिटी हम कैसे टच कर सकते हैं और कैसे रह सकते हैं जब हमें ये 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 ज्ञान बसा रहे कि ये आत्मा ही परमानेंट है बाकी कुछ नहीं जैसे माने हमको वो रियल लाइफ वाली एग्जाम्पल भी दी थी कि जब आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है तो इमीडिएटली आप ये नॉलेज ला पाते हो क्या सो so, इसी नॉलेज में है कि जो आत्मा है

पे आ जाते हैं तो ये कर्मा बेसिस पे हम पे ये चश्मे लगने चालू हो जाते हैं हम उसी बेसिस में बिहेव भी करना चालू हो जाते हैं और इसी में ही और कर्मा और कर्मा करते भी जाते हैं तो अगर आप भगवत गीता माँ के सेशन सुनो बीजी 56 सिक्स ऑनवर्ड्स में माने ये वाला चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरह से हम इस मोड्स में घुसते हैं और मोड्स में हम पे हावी होते हैं और उसी उसी दलदल में फंसते जाते हैं फसते जाते हैं। तो इन सब का तोड़ क्या होता है माँ ने वो भी समझाया है कि हम किस तरह से ये सारे डुअलिटीज से ऊपर उठ सकते हैं क्योंकि इन सारे डुअलिटीज के ऊपर है कृष्णा जी तो जब आपका फोकस सारे कर्म के सारे कार्य के फोकस सिर्फ कृष्णा जी पे ही रहती है कि हम उन्हीं के लिए कर्म कर रहे हैं उन्हीं को अपने दिलो दिमाग में रख के सारे कर्म कर रहे हैं तो ये धीरे 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 हम सारे क्लेंजिंग होके हम इस सबसे ऊपर उठना चालू हो जाते तो द द इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो हमको करना होता है ना कि कैसे हम ये चक्र व्यू में तोड़ के निकल के आ सकते क्योंकि ये तो मोड ऑफ गुडनेस ये चलता रहेगा क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में भी जब नॉलेज रहती है आ, कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ कृष्णा जी सर्वोपरि हम भक्ति कर रहे हैं हमको ये मेंटेन करना है लेकिन धीरे धीरे वो मोड ऑफ गुडनेस में भी एक प्राइड आ जाती है कि अरे मैं तो कर रही हूँ वो तो नहीं कर रहा है तो ये सारी चीजों में से माँ पूरा फोकस सिर्फ कृष्णा जी पे ले आती है तो हम ये चक्रव्यूह तोड़ते हैं और फिर हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं तो यही जो परमात्मा का जो ज्ञान है जो आत्मा का सार है माँ हमको वहां तक लेके जाती है और हर वो सेकेंड में हम कैसे ही वर्ल्ड ऑफ डिविनिटी में रह रह सकते हैं वो माँ हमको समझाती है तो आगे और एक लाइन है अर्जुन याद आ जाता है सब मेरे ही तो है कि हम सबको अलग अलग करके देखते हैं बट अगर सब में हम वो आत्मा का आत्मा डिवीनिटी देखते हैं एक गुडनेस देखते हैं जो माँ के थ्रू से ही हमको समझ में आ जाता है माँ किसी को सबको सेम देखती है हर वो चीज हर वो इंसान में अगर कोई बहुत ऊपर नीचे भी करता है ना माँ पहले उसमें देखती है कि उसमें गुडनेस तो है इसी चलते मेरे को माँ माँ ने मुझे बहुत बार अलाइन किया हुआ है कि नहीं आनंदिता अगर उस इंसान ने ऐसा कुछ किया है तो उसके कुछ पीछे कुछ तो उसके तर्क है कुछ तो उसकी सोच है एंड वो इंसान ये भी तो किया है So, पहले माँ हर बार मेरा फोकस उसके गुडनेस पे लाती है उसकी जो प्योरिटी ऑफ सोल है उसकी जो इनसेंस है उस पे लेके जाती है तो आत्मा क्या है एक प्योर है वो प्योर ही तो है परफेक्ट नहीं है। जो मां हम एक, है ना, एक आत्मा एक सफेद सी चादर जैसे होती है, हो है पृथ्वी पे बहुत सारी चोट और उसमें गंदगी लगाती जाती है फिर उसको साफ करके फिर वो वापस जाती है सो द सेम ओवर हियर कि हम एक आत्मा है प्योर है उसमें सारी चीजें लगती जाती है सीखने के लिए ही तो आए हैं तो इसमें हम फोकस कहाँ पे करना चाहिए अगर बार बार हम उसकी बुराइयों पे फोकस करते हैं तो उसकी एनर्जी भी गड़बड़ मेरी एनर्जी भी गड़बड़ तो इन सबसे परे कैसे उठ सकते हो एक क्वेश्चन भी आ जाता है उसने ऐसा क्यों किया कैसे किया ऐसे कैसे कर सकता है जब फटाक से माँ अपने आप को वो उठा उठाती है ना हमको उठा के दिखाती है वो एक आत्मा है वो भी सीख रहा है वो भी समझ रहा है उस पर भी कुछ घाव है जब ऐसे ऐसे करके वो जो माँ बोलती है ना हेलीकॉप्टर व्यू लेना सीखो तो जब हमको ऐसे करके हमको ऊपर ऊपर उठाती जाती है दिन सारे जो वहां पे जो हमें एक एक्सपेक्टेशन या फिर जो हमारे में जो सोच आना चालू हो जाता है वो धीरे-धीरे शांत हो जाती है तो वही सेम चीज कृष्णा जी भी अर्जुन को वही समझा रहे कि तुम इन सबको आत्मा रूपी में लेके जाओ ये जो तुम रिश्ता लेके बैठे हो कि ये मेरे आ, भ्राता है ये मेरे गुरुजी गुरु जी है और वो सब पितामा है तो इन सबसे ऊपर उठ के देखो ये सारी आत्माएं हैं तो तुम जो ऐसे थक हार बैठ गए हो और दुखी हो जा रहे हो मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं नॉर्मली हमको थॉट्स आते हैं ना कि मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकता है तो सेम अर्जुन भी वैसे ही हो रहे थे तो अर्जुन हमारी स्थिति को ही दर्शा रहे हैं जब हम इसी सारी सिचुएशन में फिक्स हो जाते हैं ना मेरे पति ने ऐसा कैसा किया अरे मेरी बीवी ने ऐसा कैसा किया तो वही अर्जुन भी वही दर्शा रहे हैं वही सेम ज्ञान जो अर्जुन को दे रहे कृष्णा जी वो हमारे लिए है जो माँ हमको वैसे ही सिंपलीफाई करके ब्रेक डाउन करके समझाती है कि ये सारे आत्माएं हैं जो सब अपने अपने हिसाब से ग्रोथ लेवल पे है अपने अपने सीख पे है समझ रहे हैं तो एक कंपैशन सा बनता जाता है तो एक अंदरूनी जो हमें कंपैशन आती है वो माँ बरकरार रखती है और एक्सटर्नल जो स्टैंड्स होते हैं वो एकदम मक्खन जैसे फिर हमें फ्लो होना चालू हो जाता है तो ये परफेक्ट बैलेंस जो ना इनर फॉरगिवनेस आउट ऑफ फोगिवनेस कैसे लेना है क्या सोच रखना है ये माँ हमको हर वो सेशंस में सिखाती जाती है आगे चलते हैं ये लास्ट स्लाइड है and even if you were to consider the soul to be destructible there is no reason for you to feel sorry because the cycle of creation existence dissolution continues perpetually like the flow of Ganges. these three states which are applicable to all living beings are all same to the <laughs> तो कृष्णा जी ने वो भी लगा दिया कि अगर तुमको लगता है कि अगर ये आत्मा भी डिस्ट्रॉय होती है और हमको ये पता भी है कि एक एक पॉइंट के बाद जब

के। ये आपने आपको मीटिंग गेस्ट नाम से ज्वाइन हुए हैं आपको अपना नाम लिखना है ड्रॉप हो गया आई डोंट फाइंड एनी इन पार्टिसिपेंट्स ठीक है दोबारा फिर से आते हैं तो ऐड करो उसको और फिर अनम्यूट करके पूछो कि कौन है ठीक है हाँ नंदिता सॉरी कंटिन्यू नहीं मैम सॉरी बिल्कुल हाँ तो उसी हिसाब से हमारा सृजन के वक्त वापस ये आत्माएं आती है तो जहां जहां जिस पॉइंट पे जो छोड़ा हुआ था वो उसी कर्मा लेवल पे से उनकी ग्रोथ वहां से फिर चालू हो जाती है तो ऐसा देखा जाए तो ना आत्मा का भी ना इट इज लाइक हम बोल सकते हैं कि ये चालू ही रहती है ये ऑन गोइंग प्रोसेस ही है तो दुख करोगे तो किस बात का दुख किस बात का गम है ये साइकिल ऑन गोइंग ही चालू रहेगी तो आप अपना दुख का त्याग करो और जो मेन फोकस है जो मेन पर्पस है हम लोग का हम उसी पे ही अध्ययन करेंगे और उसी पे ही लगे रहेंगे माँ ये कंप्लीट हुआ ठीक है सो so, अभी तक ज्ञानेश्वरी गीता से आपने क्या समझा ये भगवत गीता ही है बट ज्ञानेश्वर उसको और इजी करके समझाते हैं तो इसी से हमें बार बार ये रियलाइजेशन होता है कि हमको सोल कॉन्शियस बनना है हमको बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है जब तक हम बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तब तक हम मोह माया में रहकर गलत चीजें करेंगे गलत थॉट्स लाएंगे गलत एक्शन करेंगे और उससे हमारा भाग्य भी भयानक बनेगा अगर हम एक सुंदर भाग्य बनाना चाहते हैं तो हमको सोल कॉन्शियस होना होगा जब हम सोल लेवल पे सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे हम उसको और बेटर वे से हैंडल कर सकेंगे हमारे दुख का परसेंटेज कम होगा सब कुछ मोह माया के वजह से ही होता है जब तक हम मोह में रहते हैं हमें बहुत दुख होता है जब हम उसको सैटेलाइट व्यू से मतलब एक हेलीकॉप्टर से अगर आप नीचे देख रहे हो तो आपको चीजें और बेटर समझ में आती है वैसे ही जब हम ऊपर उठ खुद उठ, उठ को उठाकर नीचे देखते हैं तो हमें चीजें बेटर समझ में आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो लास्ट में जो कृष्णा जी कहते हैं कि तुम कुछ भी करो ना करो ये साइकिल चलता रहेगा तो क्या हम डूअर हैं किसी चीज के हम ये सोच सकते हैं आज हम इसको ये नहीं करेंगे हम आज वो नहीं करेंगे लेकिन सृष्टि जिनके हाथ में है वो वही करेंगे जो करना है ये बात अगर हम समझ लेते हैं तो हम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में नहीं जाएंगे लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है वो जो एक मूवी आई थी ना मैं मारता हूं ना कोई मरता है मैंने नहीं कहा गीता में लिखा है ऐसा नहीं है चॉइस हमारे पास है फॉर एक्शन एक्शन करने तक का हमारे पास चॉइस है पर वो एक्शन के बाद का रिजल्ट वो हमारे हाथ में नहीं है वो यूनिवर्स डिसाइड करता है मतलब अगर कोई खाई में लटक रहा है सपोज एक पेड़ पकड़ के कोई लटक रहा है अगर उसका हाथ छूट गया वो खाई में गिर जाएगा तो हमारे पास एक चॉइस है कि हम जाके उसको हाथ थाम कर उसको अपने तरफ खींचे ये हम कर सकते हैं लेकिन ये करने पे वो गिरेगा नहीं इसकी गारंटी नहीं है अगर उसका उसका किस्मत में ये लिखा हुआ है कि उसको खाई में गिरकर ही मरना है तो वो खाई में गिर कर ही मरेगा नो मैटर व्हाट वी डू लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं हमारे पास उस क्षण एक चॉइस मिलती है हमको उस चोई, वो चॉइस हमें करेक्ट लेना है दैट डिटरमाइंस अवर वाइब्रेशन मतलब वी हैव टू वाइब्रेट इन गुडनेस हमें हमेशा ये दिमाग में रखना है कि या तो हम ह्यूमन अम एनर्जी, एनर्जी में वाइब्रेट कर सकते हैं या डिवाइन एनर्जी में वाइब्रेट कर सकते हैं हमेशा तो वो चॉइस हमारे पास रहती है अगर किसी का रेप हो रहा है हमारे पास चॉइस है कि हम उसको जाकर रोके पुलिस को बुलाए पर उसके बाद उसका रेप होगा नहीं होगा हमें वो गुंडा हमें कोई मार के भगा देगा वो हमें नहीं पता तो यूनिवर्स कहती है तुम अपना कर्म करो श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा तुम अपना कर्म करो तुम एक क्षत्रिय हो तुम्हें अपना धर्म अपना कर्म करना है उसके बाद क्या होता है वो मुझ पर छोड़ दो तो यही हमें अपने लाइफ में एवरीडे करना है जो हमें ठीक लगता है सही लगता है पर डिविनिटी जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे ठीक है लेकिन फिर हम उसके रिएक्शन या उसके रिजल्ट पे हम नहीं डिपेंडेंट रहेंगे कर्म कर फल की आशा मत रख जो भगवत गीता में बोला गया कर्मणिकार फू कदा जन मतलब कर्म करने का अधिकार हमें है फल का नहीं है तो हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जैसे जो, जितना हमारे कैपेसिटी में है और जितना हमें समझ में आता है अब हमें इतना तो पता है मैंने बार 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 रिपीटेडली बताया है कि हमारा आज का कर्म हमारा कल का भाग्य बनाता है और आज का कर्म हमारा किस पे डिपेंड करता है हमारे आज के संस्कार आज के थॉट्स, आज का सोल स्ट्रेंथ आत्मा की शक्ति पे अगर आज आत्मा की शक्ति कम है चांसेस है कि हम डिविनिटी से अलाइंड होकर डिसीजन नहीं लेंगे हम कुछ ऐसा कर्म करेंगे जो कि यूनिवर्स के हिसाब से सही नहीं होगा जिसके अनुरूप हमारा भाग्य अच्छा नहीं बनेगा ये क्लियर है सबको बहुत बार बोला है मैंने हमारा आज का कर्म सही हो उसके लिए हमें हमेशा डिविनिटी से अलाइन रहना होगा मतलब कृष्णा जी को सेंटर में रखना होगा एक पिलर जैसे अभी आपने देखा कितना भयंकर तूफान आया है गुजरात में अपने आप को ऐसे ही तूफान में इमेजिन करो ये जो अर्थ पे जो लाइफ होती है वो तूफान जैसी होती है अब एक पेड़ जो एकदम स्ट्रॉन्ग है एक पिलर जैसा पेड़ है उसको टाइट पकड़ के रखेंगे तो जितनी भी तेज हवा आएगी आंधी आएगी हम उड़ेंगे नहीं वो पेड़ है कृष्णा जी तो आज फादर्स डे के मौके पे मैं वही सुप्रीम केलर वही, वही सुप्रीम आधार वही सुप्रीम पिता को नमन करते हूँ और कहती हूँ हैप्पी फादर्स डे कृष्णा जी आप ही हमारे पापा हो आप ही हमारे सब कुछ हो आप हैं तो हम हैं आप नहीं तो कुछ नहीं हम मूर्ख बच्चे आपको कभी समझ ही नहीं पाए इस पूरे जग के मेंटेनर आप हो एक चीटी से लेके हाथी तक खाना आप देते हो हर एक इंसान को बचाने वाले आप हो हरेक के आंसू पूछने वाले भी आप हो क्योंकि आप करुणा के सागर हो हमारी इतनी नालाइकियों के बाद भी बाहे फैलाकर खड़े रहकर हमारे प्रतीक्षा में अगर कोई खड़ा है तो वो आप हो हम आपको ही भूल जाते हैं और हमारे अन्य चीजों में फंस जाते हैं लेकिन आप प्यार से शिरोदाक्षी विष्णु बनकर हमारे हृदय में परमात्मा का रूप लेकर हमें याद दिलाते हैं कि बेटा आ जाओ वापस मैं कब से इंतजार कर रहा हूं आप इतने करुणामय हैं कि हम जन्म जन्म आपके नॉलेज को भुलाकर आपके ही सृष्टि का नुकसान करते हैं आपका हृदय कितना दुखता होगा जब हम आपके बनाए सृष्टि को गाली देते हैं बुरा बोलते हैं आपका हृदय कितना दुखता होगा पर फिर भी आप हमें हर बार माफ करते हैं हर बार एक नया मौका देते हैं खुद को सुधारने के लिए प्रभु आप जब सांस लेते हैं इस सारी सृष्टि आपके अंदर समा जाती है आप सांस छोड़ते हैं तो फिर से नया सृजन होता है हम तो ये समझ ही नहीं पाते हैं और आपको ही जज करते हैं आपको ही कितने नाम दिए गए हैं बुरे नाम रनछोड़ नाम दिया गया है और पता नहीं क्या क्या दिया गया है आपको ब्लेम करते हुए हम इंसानों की औकात एक चीटी से भी नीचे है और हम उन्हें जज करते हैं जो सृष्टि को जिसने बनाया है एक सेकंड में वो सृष्टि का विनाश करते हैं एक सेकंड में फिर से सृष्टि बनाते हैं हमारी वो औकादी नहीं है आप महाविष्णु हैं आप लक्ष्मी माँ के पति हैं आपकी हम क्या मतलब तो हमारी क्या औकात है मेरी क्या औकात है प्रभु की मैं आपकी स्तुति करूं मेरी कोई ही नहीं है सारे देवों में आप श्रेष्ठ हैं ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है आप अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते प्रभु चाहे वो भक्त आपको छोड़ दे आपने ही ये रूल बनाया है कि जो कृष्णा भक्ति करेगा जिस पॉइंट पे छोड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट में वहीं से शुरू होगी इतनी करुणा कौन करता है प्रभु जब जब आप देखते हैं इस सृष्टि में सब कुछ क्या चल रहा है आप फिर से सृष्टि में अवतार लेकर आते हैं फिर से आप सबको सब कुछ समझाते हैं आप थकते नहीं कलयुग में तो आपने बहुत कृपा की है चैतन्य महाप्रभु बनकर आ पाए आप ही आके भक्ति सिखाते हैं हम लोगों में तो उतनी औकात भी नहीं कि आपकी भक्ति ठीक से कर पाए और फिर जब आप देखेंगे ये सब सिखाने के बावजूद भी लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे आप ही कल की महाराज के रूप में आकर सारे नेगेटिविटी का नाश करेंगे तो प्रभु आप तो कभी साथ छोड़ते ही नहीं पग पग पर आप हृदय से परमात्मा बनकर हमें टोकते हैं अगर हम कुछ गलत करते हैं तो क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि हमें दुख हो आप इतने करुणामय पिता हैं एक पिता जैसे अपने बच्चे को सिखाता है कि बेटा ये मत कर इससे प्रॉब्लम होगी वो मत कर उससे प्रॉब्लम होगी आप भी तो हमारे हृदय में बैठकर वही कहते हैं ये तो हमारी गलती है कि हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं पर प्रभु आप तो कभी हमें भूलते नहीं आप तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हम अगर आपको इस वक्त छोड़कर दस साल बाद भी आपके पास वापस आए दस सालों तक आपको याद ना करे आपसे घृणा करे लेकिन दस साल बाद फिर वापस आए तो फिर उतने ही प्यार से बाहें फैलाकर हमें ऐसा कौन करता है यहां पर अगर हम अपने प्रियजनों को एक महीना फोन ना करें उसके बाद अगर कॉल करें तो सबसे पहले हम ये सुनेंगे कि तू तो हमें भूल गया तू तो आजकल हमें याद नहीं करता पर आप तो ये नहीं कहते आप तो बस खुश होते हैं कि हम वापस आ गए जब आंख खुले तब सवेरा तो हे परम पिता हम सबका सर नतमस्तक आपके प्रेम आपके करुणा के आगे हमारे रोम रोम में सिर्फ आपका प्रेम भर दीजिए प्रभु हम चाहते हैं कि हम सारे लोग आपके स्पिरिचुअल वॉरियर बने जिसे सिर्फ मोक्ष की तलाश ना हो पर जब तक जहां जहाँ हम जन्म ले वहां वहां हम आपका काम करें मोक्ष लेके हम आपके पास आ तो जरूर जाएंगे गोलक में वास जरूर करेंगे लेकिन यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं हैं जिन्हें पता ही नहीं आप कौन है आपके बारे में हम बताने जाते हैं तो वो हमको ही भला बुरा बोलने लगते हैं। तो इन पर भी हमें दया करनी है प्रभु उसके लिए हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाए हम नहीं कर पाते हैं दया और मैं स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे प्रभु कि जिस जितनी भी आत्माओं को मैंने कोशिश की है चैनल बनकर आपके तरफ ढकेलने की और पलट के उन्होंने मुझे गाली दी मुझे फ्रॉड बोला मुझे कहा कि मेरा मेरी स्पिरिचुअलिटी पाखंड है तब मेरा हृदय दुखा मैं चाहती हूं कि आप मुझे इतना सॉलिड बना दीजिए कि मेरा हृदय ना दुखे मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है वो आप जानते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या समझे वो मैं जानती हूँ वो आप जानते हैं तो आज मुझे ये आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि इस डर से मैं लोगों के तरफ नहीं जाती हूँ वो डर मेरा हट जाए अगर लोग मुझे गलत बोलते हैं पाखंडी बोलते हैं फ्रॉड बोलते हैं बुरा बोलते हैं जो भी बोलते हैं मैं उसको ऐसा कृष्णा प्रसादम एक्सेप्ट कर लू क्योंकि वो भी मेरे ही तो है वो जानते ही नहीं है वो आपको ही नहीं जानते तो मुझे कैसे जानेंगे उन्होंने वो फल चखा ही नहीं है उन्हें वो रस का कोई आइडिया ही नहीं है जो आपका नाम लेने से जो एक्सटेसी होती है जो जो डर जिंदगी में होती है वो डर छुमंतर हो जाता है जो सारे दर्द हट जाते हैं वो मैजिक जिसने देखा ही नहीं है वो क्या जाने कि आप कौन है तो मैं इन सारे आत्माओं की भी तरफ से क्षमा मांगती हूँ आपसे प्रभु जिन्होंने आपको गलत बोला है वो इतने नीचे के लेवल पे हैं कि उनकी जिंदगी में उनके दिमाग में सिर्फ अंधकार है और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभु जो मैंने पहले भी भगवत गीता सेशन में कहा है कि अगर आपको कोई अपशब्द बोले तो वो पहले मेरे पास आए और वहीं रुक जाए वो आप तक ना पहुंचे मैं वो ढाल बन के खड़ी रहूं कि मेरे कृष्णा जी को कोई अपशब्द नहीं कहेगा और कोई कहेगा भी तो मेरे पास आके रुक जाएगा मैं समालूंगी उसको अपने अंदर पर आप तक नहीं जाने दूंगी आप ये डिजर्व नहीं करते प्रभु आपसे प्यारा कोई और है ही नहीं आप सिर्फ प्रेम डिजर्व करते हैं सबका सबका कोई एक आत्मा ऐसा ना हो जो आपसे प्रेम ना करे आपसे कोई बिना प्रेम करके कैसे रह सकता है तो मुझे ये शक्ति दीजिए प्रभु कि अब कोई आपको तिरस्कार ना करे और अगर करे वो सारा तिरस्कार मेरे तक आ जाए और मेरे पास ही ठहर जाए वो आगे ना बढ़े आप तक ये आपको ही आशीर्वाद देना होगा प्रभु मेरी क्या औकात है मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहती हूँ और आपका काम करना चाहती हूं मुझे इन चरणों में जगह दीजिए प्रभु कि मैं कोई भी जन्म लू कहीं भी रहू किसी भी स्थिति में रहू ये परमानेंट होना चाहिए मेरा और ये मैं सबके थ्रू आज जो सारे ग्रुप मेंबर्स हैं जिन्होंने सेशन अटेंड किया है उनके थ्रू भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्रभु कि हम सबको आपके चरणों में जगा दीजिए हम जो टेम्पररी मोह माया में फंसे होकर आपको भुला देते हैं आपसे दूर चले जाते हैं आपको गलत समझते हैं आपको ब्लेम करते हैं अब अड़तीस जी हम लोग ना करें सोल पीस मेंबर्स ये ना करें सोल पीस ग्रुप मेंबर्स से सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम ही आप तक जाए और अगर इनमें से भी कोई ऐसी गलती करता है जो महा गलती है वो मेरे तक आ जाए अब तक ना पहुंचे वो सारा मैं अपने अंदर संभालूंगी प्रभु इतनी शक्ति दीजिए और एक प्रभु चीज है प्रभु कि आप और आप कभी बिछड़ेंगे नहीं हमें सिखाने के लिए नहीं बिछड़ेंगे क्योंकि आपने सौ वर्ष की दूरी एक दूसरे से हमें सिखाने के लिए करी पर देखिए लोग फिर भूल गए तो अब हम जैसे सर्वेंट्स को भेजिए हम कोशिश करेंगे पत्थरों को हीरा बनाने की जब तक हम में हम में कैपेसिटी हो उनको बार 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 आपकी गाथा याद दिलाएंगे हम उनको समझाएंगे कि आपका प्रेम किस स्तर पे है और आप प्रेम सिखाने ही आए थे बट आप और राधा आप कभी बिछड़ेगा मत वो कितना पेनफुल होता है हम सब जानते हैं हम नहीं देखना चाहते वैसे आप और राधा में सदा एक साथ रहिए अब हम जैसे आत्माओं को नियुक्त करिए जो नीचे आके आपका प्रेम सिखा सके तो मेरे सबसे स्वीट लविंग काइंड हार्टेड पापा आई लव यू आप है तो मैं हूं आप नहीं तो मैं नहीं इस फादर्स डे के मौके पे मेरा प्रणाम स्वीकार करे मेरा प्रेम स्वीकार करे प्रभु मेरे पास देने को तो और कुछ है भी नहीं और ये आशीर्वाद दे कि मेरा प्रेम आपके लिए और ज्यादा प्योर बने इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो एवरी सेकेंड इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दिव्य आत्मा अगर आप मिहिका के थ्रू कृष्णा जी के बारे में कुछ स्तुति करना चाहें आज फादर्स डे पे तो प्लीज करे हरे कृष्णा हरे कृष्णा माँ हरे कृष्णा सबको हाँ बहुत दया तेरी आवाज नहीं आ रही पास पारियाँ हाँ हाँ हरे कृष्णा माँ हरे कृष्णा सबको हृदय आत्मा आके माँ सबसे पहले आपको नमन कर रहे और हम सब हम सब आपको नमन कर रहे आपने जो स्तुति की एवरीथिंग हर एक वो शब्द जब जो आप आप जो आई लव यू उनको बोलते हो कृष्णा जी को और जब आप कहते हो कि आप हो तो मैं हूँ आप नहीं तो मैं नहीं दैट इज द रियल एसेंस दैट

आपने ये स्तुति की आपने ये आ, मौका दिया हमें कि हम आपके मुंह से ये स्तुति सुन सके थैंक यू माँ ओके तो जो दिव्या आत्मा है वो अभी आ रहे हैं हरे कृष्णा अभी जो रूपाली माँ ने स्तुति की है उसके सामने तो हम नहीं जानते हम कितना कह सकते हैं लेकिन रूपाली माँ ने जो स्तुति की है वो एक परम भक्त की स्तुति है जो जैसे उन्होंने कहा वो तो खुद को कृष्णा जी का सर्वेंट बोलती है बट वही परम भक्त है यही भक्ति हमें करनी है और यही भक्ति कृष्णा जी भी सिखाने आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो आप यही समझ लीजिए कि यही भक्ति कृष्णा जी फिर सिखाने आए हैं हमें रूपाली माँ के रूप में तो यही सीखना है जो है अभी आप आप जब कृष्णा जी को देखते हो श्री कृष्णा को देखते हो तो श्री कृष्णा आपको कैसे देखते हैं जब जब आप रूट जाते हो श्री कृष्णा से कि प्रभु आपने मेरी ये इच्छाएं ये ये पूरी नहीं की आपने ये इच्छाएं ये ये नहीं पूरी की तो जैसे आप अपने बच्चे को देखते हो बच्चा आपसे रूठ जाता है कि आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया वैसे ही श्री कृष्ण आपको देखते हैं पता है जब आप उनसे रूठते भी हो ना तभी भी उन्हें ये दर्द होता है आपको देख के कि मेरा बच्चा ये रूठने में भी उसको दर्द हो रहा है उनको उससे दर्द नहीं होता कि आप उन्हें अपश कह रहे हो या आप उनको बुरा भला कह रहे हो उनको उसमें दर्द होता है कि मेरे बच्चे को वो रूटने वाली भी पीड़ा हो रही है वो समझते हैं, वो तो जानते हैं कि ये जरूरी है तभी वो चीजें हमें नहीं देते हैं जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है वो श्री कृष्ण हमें कभी नहीं देते जो सही है वही मिलता है हमें जिसकी जरूरत है जिससे हमारा भला हो वो सदैव हमारा भला करते हैं लेकिन आप सोचिए वो उस रुटने पे भी उन्हें बुरा लगता है कि नहीं इसमें भी पीड़ा हो रही है मेरे बच्चे को ये है श्री कृष्णा का प्रेम ये है ये है उनका प्रेम ये इसीलिए वो हम सबके पापा है तो जब जब जब, जब आप रूटते हो उनसे तब तब उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा अभी रूठा हुआ है वो अभी भी दुख में है और वो फिर हर कोशिश करते हर मुमकिन कोशिश करते कि आप उससे बाहर आए और जल्दी बाहर आए ये है श्री कृष्ण का प्रेम जब भी जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है आप उन्हें याद करो ना करो वो सदैव आपको देखते रहते हैं और आपकी मुस्कान से वो मुस्कुराते हैं पता है श्री कृष्ण के मुस्कान से ये सृष्टि मुस्कुराती है हर कोई मुस्कुराता है बट वो अपने बच्चों को देख के वो मुस्कुराते हैं ये है उनका प्रेम जब भी जब भी आप आप किसी आ, उन्हीं के क्रिएशन को जब आप आ, पीड़ा पहुंचाते हो जब वो देखते उनका एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीड़ा पहुंचा रहा है वो देखते हैं और तब उस चीज से भी उन्हें बुरा लगता है कि इन दो ये दोनों दुख में हैं एक अब सोचिए अगर आपके सिर्फ दो बच्चे हैं इसमें आपको इतनी पीड़ा होती है श्री कृष्ण के तो सारे बच्चे हैं। वो तो आप सबको देख रहे हैं आप सब दुखी होते हो वो तो पापा है ना आपके तो उन्हें कैसा लगता होगा और वो तो आप तो फिर भी बैठ जाते हो कि हमारा बच्चा दुखी है वो तो सिर्फ कोश कोशिश भी नहीं वो सब कुछ करते हैं जिससे आपको खुशी मिले सब कुछ और जब वो हंसते ये सृष्टि हंसती है पर आप आप फिर भी दुखी बैठ जाते हो तो आप सोचिए कि जब जब आप दुखी हो रहे हो आप इस सृष्टि के रचयिता को आप अपने पापा आपको देख रहे हैं और उनको आपकी पीड़ा महसूस होती है उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा पीड़ा में है तो ये जान लीजिए कि वो है और वो हमेशा आपको देखते हैं वो आप ही को देखते हैं वो पापा पापा है आपके जैसे एक पापा की नज़र कभी अपने बच्चे से दूर नहीं जाती कि वो चल रहा है गिर रहा है क्या कर रहा है मिट्टी में खेल रहा है गलत चीज खा रहा है सही चीज खा रहा है हंस रहा है हर एक हर एक आपके कर्म पे उनका ध्यान है और उनका ध्यान इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सदैव खुश रहे इसीलिए नहीं कि आप कुछ गलत करो और वो आपको पनिशमेंट दे नहीं वो इसीलिए आपको देखते हैं ताकि आप खुश रहे वो आपका ध्यान रखते हैं हर पल जैसे अभी रूपाली माने ने कहा वो हमारे हृदय में वास करते हैं इतना उनका प्रेम है कि वो हमारे हृदय में आके ही बस गए उनको तो दिखता है ना गोलोक से सब कुछ उन, वो बस उनकी नजर तो हर जगह है वो तो अपने हर बॉडी पार्ट से देखते हैं तो उनको जरूरत नहीं है कि वो हमारे हृदय में आके वास करे पर फिर भी वो चाहते हैं कि वो हम हर एक जन से इतने पास रहे और इतने पास से हम सबका ख्याल रखें कि वो हमारे हृदय में आके वास करते हैं तो जो कृष्णा जी जो श्री कृष्णा हमारे हृदय में है इतना पास आके हमारे रह रहे, रहे हैं हम उनसे दूर कैसे जा सकते हैं उनसे दूर जाना तो मुमकिन है ही नहीं बस हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं श्री कृष्णा है नहीं और जब हम आंखें भी बंद करते हैं ना वो भी वो देखते हैं हमें कि ठीक है अभी मेरा बच्चा आंखें खोलेगा बस इतना ही है वो वही है वो वही है और वो साथ ही रहते हैं वो तो दूर भी नहीं जाते वो उनको उनको ये मंजूर ही नहीं कि वो हम सबसे दूर जाए क्योंकि ये श्री कृष्णा का प्रेम है हम भले ही कितना भी उनसे दूर भागे वो कभी हमसे दूर नहीं जाते कभी नहीं वो हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहते यह है श्री कृष्णा ये है उनका प्रेम थैंक यू सो मच आत्मा अपने इतने सुंदर वैसे समझाया और इतने सिंपल वैसे समझाया तो आत्मा खेल उठी बाकी लोग आप लोग चैट में लिख सकते हो हाँ बोलो वहाँ उनकी एक रिक्वेस्ट है आप जो राधे कृष्णा बोलते हो ना वो बड़ा वाला हाँ? वो वो आप बोलेंगे प्लीज ऑल्सो माँ और श्री कृष्णा आए हैं yeah. प्रणाम राधामा श्री कृष्ण फिर से हैप्पी फादर्स डे टू यू आप, आप आए हमारे सेशन में हमारा हो भाग्य हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे प्रभु बस आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल ला सके ये आशीर्वाद दे दीजिए अब हम लोग कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आपके चेहरे की स्माइल चले जाए और हम भी प्रॉमिस करते हैं कि हम भी हर सिचुएशन में स्माइल करेंगे क्योंकि यहाँ किसी के साथ तो कुछ बुरा होता ही नहीं है ये पूरी सृष्टि तो श्री कृष्णा के हाथ पे है और वो परफेक्ट है वही पुरुष है वही परफेक्ट है तो जब परफेक्शन के हाथ में क्रिएशन है तो किसी के साथ कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता है राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा थैंक यू प्रभु हमें एक आप उनसे ले और कुछ करना है नहीं बस इतना ही था ठीक है तो आप लोग अपना अपना जो भी अनुभव है या आपको स्तुति सुनकर कैसा लगा आप चैट में लिख सकते हैं कौन अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दो उसको कर दिया ठीक है तो आप अपना अपना ये लिखिए आपने जो फील किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है लिखना क्योंकि जब आप लिखते हो वो और अच्छे से परमानेंटली बैठ जाता है हृदय में आत्मा में आप लिखने के बाद एन टू पढ़ देगी उसको इसके अलावा कुछ क्लेयर ऑब्जर्वेशंस हो तो एन टू एन वन एन कैन शेयर फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज कोई आ, हायर बींग्स आए हैं क्या अगर आए हैं तो मेरे तरफ से उनको प्रणाम और वेलकम और अगर आज किसी न्यू मेंबर ने भी आज संडे सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो इस सोल फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम यहाँ पे सिर्फ प्रेम मिलता है तो आपको भी सिर्फ प्रेम ही मिलेगा हरे कृष्ण हायर बीइंग्स आए हुए हैं एंड वो जब आप आप कर रहे थे एंड फिर जब उन्होंने दिव्य आत्मा की स्तुति सुनी एंड देन जब आप एकदम ऐसे वो क्लाइमैक्स लाइक देर राइट नाउ इन ओ एंड एक्सटेसी वैसा है उनका एंड दे आर वेरी 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 हैप्पी कि वो इस चीज का एक पार्ट बन पाए संडे सेशन को अटेंड कर पाए एंड क्लेर ऑब्जर्वेशन तो बहुत ऑब्वियस है जब आप स्तुति स्टार्ट किए एंड द वे यू टोक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एक एक का ना वो जैसे स्किन uh, निकलती है ना वैसे से एक एक लेयर्स पील ऑफ हुई एंड वी ईच ऑफ अस ईच ऑफ अस का सोल एलिवेटेड लीविंग बिहाइंड हमारा एक एक इमोशन जो कि ऑब्स्टिकल्स थे हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में ऑन एन एवरेज जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं पहले से एक्टिव आई मीन दोज पीपल जिन्होंने एक्टिवली सुना आपकी स्तुति और अपने आत्मा में जिन्होंने उसको सुन सुन के बैठाया वो लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो मैसिव 53 परसेंट हुआ है एंड जब दिव्य आत्मा की स्तुति शुरू हुई वो एक अलग लग, मतलब आपका स्तुति से क्रस, क्लेंजिंग एंड एक पीक रीच हुआ उनकी स्तुति से वो कनेक्शन वो भक्ति वो लव का फ्लो हुआ एंड देन जैसे ही आपने राधा कृष्ण बोला वो सब कुछ ऐसे जैसे सील और सिक्योर वाला जोन रहता है ना वो हो गया इट वाज लाइक एन प्रोसेस जो आप दोनों हम लोगों को लेके गए एंड वो बहुत स्टेप और बहुत बहुत ब्यूटिफुली हुआ एंड राधामा एंड कृष्णा जी सुपर हैप्पी फॉर दिस वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि आज के दिन ये हुआ बिकॉज दिस वॉज वेरी नेसेसरी हम लोग सब अपने इंटेंडेड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से से पीछे थे, बट आज के ये सेशन से काफी हद तक वो गैप कवर हो गया जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का गैप था एज पर आर ब्लूप्रिंट, वो गैप बहुत हद तक कवर हो गया फॉर ईच वन ऑफ अस मेरे को इतना बोलना था मी ही एन वन आप लोग अनम्यूट कर सकते हो ना ये जो सोल जो एंटो ने अभी कहा ना तो अभी जैसे हमारा मतलब यूजुअली कैसे होता है एक नॉक नॉक होता है हमेशा संडे सेशन में हमारे सोल पे बट आपकी और जो दिव्यात्मा जी की जो स्तुति थी वो लिटरली उसने सोल को हमारे झंझोड़ा लिटरली वो उठाया कि कर क्या रहे और वो सोल उठा जिन जिन ने एक्टिवली वो सुनी ना स्तुति वो सोल उठा एंड

वो उनको आप याद हो भले ही एक श, इस क्षण में अभी भले ही एक क्षण के लिए सिर्फ याद रहेंगे बट उनको आप याद आए तो आप बहुत हैप्पीली हम सबको उनके सामने लेके गए और हम सब उनको देख के इट वॉज मतलब शायद सबको ये याद भी नहीं रहेगा बट उस मोमेंट में जिन जिन के आंखों से आंसू आए हैं ना क्योंकि उन सबको याद आया कि ओरिजिन क्या है कृष्णा जी क्या है परमानेंट क्या है वो उनके सोल को समझा तभी उनकी आंखों से आंसू आए तो वो मोमेंट में जो सारी मेमोरीज़ थी जो कोर मेमोरी है जिसकी वजह से हम है हमारा एग्जिस्टेंस है वो याद आया एंड वो टच हुआ तो सब कृष्णा जी के सामने थे और कृष्णा जी सबको देख रहे थे वो इतनी beautiful, इतनी इतनी मीठी मीठी दे रहे थे तो uh, हुआ ही है plus, uh, काफी तक, है काफी हद तक जो वो न्यूट्रलाइज uh, हुए है एंड सिर्फ यही इनकारनेशन के नहीं आगे के सेवन इनकारनेशन के वो न्यूट्रलाइज हुए है और uh, कृष्णा भक् अ जितने भी जनों ने एक्टिवली सुना है उन सबके ब्लूप्रिंट में लिखी गई है कि आगे के इन्कार्नेशंस में भी उनको कृष्णा भक्ति करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि हर इन्कार्नेशन में ये मौका मिले ये जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत कर्मा लगता है जैसे आप बताते हो बट इस बार की स्तुति से आपकी स्तुति से ये सबके उसमें अलाउ हो गया है और नेक्स्ट अ नेक्स्ट ऑलमोस्ट 21 इनकार्नेशंस तक कुछ-कुछ जनों के मोर देन 15 इनकार्नेशंस है बट ऑन एन एवरेज 21 एंड इनकार्नेशंस तक कृष्णा भक्ति सबके ब्लूप्रिंट में परमानेंटली आ गया है कि वो कर सकते हैं एंड वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी उन्हें तो मैं ये था एनवन आप ऐड कर सकते हो अच्छा एक चीज चेक करो चारों नो धोरिते वाला भजन सुनाना है क्या अभी मतलब मेरा लाइव नहीं जो रिकॉर्डेड है हां मां ग्रीन है मां हाँ मां ठीक है तो एन2 उसको खोल कर रख तब तक एन1 बोल दे हाँ वो 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 प्ले करना है हाँ? मुझे नहीं बोलना गाने मां हां मां वैसे लाइव मा आ, आ तो तो रहा था नहीं नहीं प्लीज 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 मैं वांट टू स्टार्ट कर दो फिर हाँ आई विल प्ले दैट मतलब मैं प्ले मैं उसको निकाल दे रही हूं पर जैसे आप वो टू लाइंस कर दोगे तो हाँ अच्छा हम लोग एन का सुने ओके okay. हाँ जब आपने स्टार्ट करा ना तो जैसे एन और मी ने बताया मतलब सबके सब पूरा ज, एक बहुत सारा पूरा जैसे ब्लैक कलर का सबके ऊपर था वो पूरा का पूरा हट गया एंड आप पूरा पिकअप करके सबरे सोल्स को लेके गए एंड उसके बाद मतलब इतना सुंदर था एंड पूरा गोल्डन पूरा गोल्डन लाइक स्तुति वाज वाज रियली अमेजिंग मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है एंड जैसे मेका ने बताया सबके ब्लूप्रिंट में चेंजेस आए हैं गोल्डन लेटर्स में ये लिखा गया है एंड ये कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है इस लेवल का स्तुति सुन पाना भी मतलब इस लेवल का आ, आ, कहीं भी एक्सपीरियंस कर पाना भी तो ये बहुत बहुत ही बहुत ही यूनिक इवेंट था ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह प्ले हो रहा है एंड जहां जहां प्ले हुआ जिस जिस मेंबर के घर पे जो सुन रहा था वहाँ पे मदर पे वो पूरा गोल्डन एनर्जीज़ पूरा गया है एंड एंड वो कृष्णा जी एंड माँ इतने प्यार से सबकी तरफ देख रहे थे जब आप लेके गए इतने, इतने प्यार से जब दिव्य आत्मा जी ने स्तुति स्टार्ट करी मतलब आप पूरा उठा के उस लेवल पे लेके गए एंड जब उन्होंने स्तुति स्टार्ट करी वो लव पूरा सबके हार्ट में फ्लो होने लगा इट वॉज गोल्डन एंड पिंकिश एनर्जीज एंड पूरा का पूरा हार्ट में फ्लो हुआ बॉडी में फ्लो हुआ सब जगह मतलब सोल में पूरा भर सा गया एंड बॉडी सब के नीचे थी लेकिन तब भी उसमें भी फ्लो करा इट वाज इट वाज वेरी इट वाज वेरी अमेजिंग और ये जो चेंजेस हुए हैं ये परमानेंट चेंजेस टाइप के हुए हैं लाइक इम्प्रिंट ठप्पा टाइप का बैठा है सोल में जिन्होंने एक्टिवली सुना है उनके सोल में कृष्णा भक्ति का ये एक्टिवली और परमानेंट बैठा है मुझे आपकी स्तुति में सुनती हूँ ना जब आप कुछ स्तुति करते हो या आप कुछ बोलते हो तो मैं अलग ही लेवल पे पहुंच जाती हूँ इसलिए मैं आपको इतना परेशान करते रहती हूँ कि आप कुछ बोलिए आप कुछ बोलिए मतलब एक परम भक्त से कृष्णा जी की स्तुति सुनने का मजा ही कुछ और होता है और अभी यहाँ पर एक तो प्रभुपाद जी थे उनका उनको सुनना या तो बहुत ही कम ऐसे आत्माएं होती है जिनसे सुनकर रोम रोम में भक्ति महसूस होने लगे तो उनमें से आप हैं एक दिव्यात्मा जिन जब जब आप स्तुति करते हैं ना तो उसे रोम रोम में भक्ति महसूस होने लगती है मतलब आपको मैं कैसे बोलूं कि आप एक ऐसे ट्रांसपोर्ट के वेहीकल हो जो कृष्णा जी का प्रेम लेकर हमारे सेल में हर एक हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट कर देते हो उनका प्रेम आप इस तरफ के एक, एक वहीकल हो मतलब आ, और कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ कि कृष्णा जी का प्यार है वो हमें भी पता है कि वो प्यार है लेकिन उनके प्यार को उनसे लेकर हम तक पहुंचा कर हमारे आत्मा में बिठाना जो आप करते हो वो और कोई नहीं करता है तो मेरे तरफ से तो बहुत बहुत थैंक यू आपको मैं और क्या बोलू सच में ओके तो अभी हम लोग अम्म धोरी तो वाला जो भजन है वो सुनेंगे वो बंगाली भजन है पर उसका भाव समझना है आपको सार समझना है फिर से जैसे कि ये अभी जो हमने अनुभूति की वो आत्मा में बैठ जाए तो उस उसका मतलब है कि प्रभु आपके चरण पकड़ने का बस अनुमति दीजिए हमें और कुछ नहीं चाहिए उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया इस गाने को तो मैं बस स्टार्टिंग का एक सेंटेंस गाऊंगी सो दट टू कैन प्ले इट उसके बाद मुझे कोई परेशानी करेगा ठीक है चोरो दियोगे नियो नियो সর জীবন মরণ সুখ দুঃখ দিয়ে বে ভরি

अगर साउंड uh, नहीं आती तो मेरे को बताइएगा। ये भजन गाया चोरि तो दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम रबिंद्र नाथ टगोर उन्होंने ये लिखा है सॉन्ग को और इसको गाया गया है मूवी में दादार कीर्ति बोल के एक बंगाली मूवी उसमें ये इस गाने को गाया गया ये गाना गाना इजी नहीं है इसलिए मैंने कभी ही नहीं किया था ये पूरा गाना गाने को बट उस दिन जूम सेशन में आप सब लोगों ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया प्लस ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है क्योंकि इसमें भगवान के प्रति वो भक्ति को बहुत अच्छे से ज़ाहिर किया गया है तो प्लीज़ मेरे सुर ताल को इग्नोर करके इस नॉलेज पे आप फोकस करिए तो अच्छा रहेगा एंड में ये गाना रहेगा मेरा पूरा कंप्लीट गाना तो आप फिर उसमें सुन सकते हैं पहले एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए तो आप गाने को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे सो बेसिकली द फर्स्ट सेंटेंस चौरों धोरी थे दियो गो हमारे नियो ना नियो इसका मतलब होता है कि मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए प्रभु आप श्री कृष्णा को अपने सामने इमेजिन करिए और आप उन्हें कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए अपने चरणों को पीछे ना हटाए जीवन और मोरों सुख दुख दिए बोखे धोरी बो जोड़ा है। मतलब मैं अपना लाइफ और अपना डेथ दोनों आपके चरणों में न्योछावर करती हूँ मेरा मेरी हैप्पीनेस और मेरा सौरव मतलब मेरी खुशी और मेरा दुख वो भी आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ ये सब कुछ करके मैं अपने मतलब चेस्ट से छाती से आपके पैरों को हक करना चाहती हूँ बेसिकली मतलब बेसिकली मैं मैं आपके चरणों को हक करना चाहती हूँ इसका ये मतलब है स्कूली तो शिथिलो कामोना भार बोहिया बोहिया फिर ही, बो ही तो आज मतलब हाउ लॉन्ग शुड आई कैरी अलोंग माई डिजायर दैट आर कंप्लीटली डिस इन द सेंस कि हमारे कामनाओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है कितने दिन और मैं अपनी कामनाओं का भार लेकर वजन लेकर अपने डिजायर्स अनफुलफिल्ड डिजायर्स का वजन लेकर अपने शोल्डर में मैं घूमती रहूं कितने दिन और कि, और कहां कहां घूमती रहूं और कैसे डिजायर्स हैं मतलब डिसाइरे डिजायर्स मतलब जैसे मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते हैं एक खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा लाइन में कितने दिन और प्रभु में इनके बोझ लेकर ये डिजायर्स का बोझ अपने ऊपर लेकर फिरते रहूं। तो नीजो हाथ है हार फेलो ना हमारे छोड़ाए मतलब आप इनको प्लीज मुझे बिखा बिखरो मत मतलब मुझे बिखरने मत अपने हाथ से मुझे माला में पिरो लो बोलने का मतलब ये है क्योंकि हम बिखर जाते हैं हम हम लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं परेशानियां जो हमारी है मैक्सिमम हमारी परेशानियां हैं हमारे अनफुलफिल डिज़ायर्स जो हमारी इच्छाएं जो पूरा मतलब जो पूर्ण नहीं हुए हैं वो उनके वजह से ही हम बिखर जाते हैं अगर आप शांति से अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करके देखो तो आपने अगर वो डिज़ायर को ख़त्म कर दिया है तो आपकी लाइफ उतनी पेनफुल नहीं रहेगी लेकिन हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं ये चाहिए वो चाहिए पहले बच्चा चाहिए एक बार बच्चा हो गया और एक बच्चा चाहिए एक और बच्चा हो गया फिर उसकी पढ़ाई अच्छी चाहिए फिर उसको इंजीनियरिंग पढ़ानी है उस इंजीनियरिंग हो, हो गया उसकी शादी करनी है उसकी शादी हो गई तो पर पोते चाहिए ग्रैंड ग्रैंड किड्स चाहिए ग्रैंड किड्स हो गए तो फिर ग्रैंड किड्स की शादी कराने मतलब हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते मरते दम तक हमारे डिज़ायर्स की लिस्ट बढ़ती रहती है तो वही बोल रहे हैं भगवान को कि और कितना और कितना मैं यही इसी का बोझ ले लेके घूमू मैं तो मैं जो बिखर गया हूं मुझे बिखरने मत दो मुझे एक माला में पिरो लो ठीक है रिकंस्ट्रक्ट देम इन अ गार्डन मुझे माला में पिरो लो चिरो पीपा शीतो बाशोना बेदोना बाचाओ ताहारे मारिया शेष जॉय जैनो हॉय शे बी तुम्हारी का छेते हरिया मतलब आ, हम लोग हमेशा एवर थर्स्टी होते हैं मतलब हमारी प्यास कभी बुझती नहीं है तो हम जो हम जो कंटिन्यूसली एवर थर्स्टी एवर डिजायरिंग होते हैं इन्हें ख़त्म कर लो और मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप हमें जीत लो बेसिकली आप हमें जीत लो हम आपसे हार जाना चाहते हैं ठीक डिफ़िकल्ट है पर मैं समझाने की कोशिश हूं। प्लीज कर रही हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए रबींद्रनाथ टैगोर की बात है तो वो भी बंगाली में है इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट सो चीरो पीपाशी तो बाशोना ना मतलब अन एंडिंग थर्स्ट और इतना सारा जो हमारे इच्छाएं हैं और पेन है इससे हमें बचा लो इससे हमें बचा लो और um, लास्ट में ऐसा ही हो कि आपकी जीत हो प्रभु हम हार जाएं आपके आपके पास हम हार जाएं तुम्हारे पास आकर ही हम हार जाएं बिकाए बिकाए दिनों आपनारे पारी ना ते दुआरे दुआरे तुम्हारी कोरिया नियो गो हमारे बोरो नेरो माला पौराए मतलब बेसिकली अब मैं थक चुका हूँ दरवाजों हर दरवाजे को खटक मतलब नॉक करते हुए दरवाजे दरवाजे पे जाते जाते मैं थक गया हूँ इन एक्सचेंज ऑफ माई पॉवर्टी आई मे बिलोंग टू यू प्लीज एक्सेप्ट मी ऑफरिंग मी योर मेजेस्टिक वेलकम गार्डन मतलब ये ये सोल ये भक्त कह रहा है कि मैं और कितने दरवाजे खटखटाऊँ दरवाजे खटखटाना मतलब अगेन मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो एक भिकारी जैसे हम यही तो करते हैं पूरी जिंदगी भर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम कभी ये दरवाज़ा खटखटाते कभी वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये करते करते हम थक चुके हैं प्रभु अब लास्ट का जो वेलकम गारलैंड है जो माला है जो जो जब कोई जीत के आता है तो किस तरह वो पूरे उसको उनको वेलकम करता है उसी तरह से वो वेलकम गार्लें गार्लैंड पहना कर एक्सेप्ट कर लो मुझे प्रभु मैं आपको मे आई बिलोंग टू यू मैं आपका ही होना चाहता हूँ तो मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ तो बेसिकली इस गाने का मतलब है कि एक इंसान जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से परेशान हो चुका है जो समझ चुका है कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि इनका कभी ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी ये डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होगी उनको किस तरह से मतलब फिर फिर एक इंसान में जब अवेकनिंग आता है अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब एक इंसान में आता है जब वो अपने निद्रा से जागता है अपने इग्नोरेंस से ऊपर उठता है और वो समझता है कि हे hey, प्रभु बस हो गया अब और नहीं चाहिए मुझे मैं ऐसे बेकारी की तरह मैं ऐसे जो मेरी प्यास जो कभी बुझती नहीं है या जो मेरे कंधों पे मेरे ही कामनाओं का बोझ है डिजायर्स का बोझ है ये ले लेकर मैं और कितने द्वार द्वार भटकू कहाँ कहाँ मैं भटकू अब मैं बस आपका होना चाहता हूँ आपके चरणों को मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहता हूँ प्लीज आप अपने चरणों को मुझसे दूर मत करिए मैं अपने आप को आपको सौंप रहा हूँ अपना अपनी अपना लाइफ अपना डेथ मतलब अप, अपनी जिंदगी अपनी मृत्यु अपना सुख अपना दुख सब कुछ मैं आपको सौंप रहा हूँ प्रभु और ये सब कुछ सौंपते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वेलकम गार्लेंट पहना कर मुझे अपना बना लो तो ये पूरे पूरे भजन का यही मतलब है अब आप ये भजन को सुनिए देखिए आपको कैसा लगता है जैसे मैंने बोला रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे सुर ताल पे मर जाए आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर मैं सिर्फ़ फील कर पाती हूँ भगवान के लिए प्यार और उन्हीं और कुछ गानों से मैं वो उसको और ज़्यादा डीपली फ़ील कर पाती हूँ तो वही मैं अपने भगवत गीता सेशंस में दो तीन लाइन गाकर आपको फील कराने की कोशिश करती हूँ अगर आप फील कर पाओ तो वेरी गुड आप लोगों ने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया जूम सेशन में इसलिए मुझे हिम्मत मिली आप लोगों ने आप सब ने कहा मुझे कि आप मेरे आवाज़ के थ्रू कृष्णा जी को फील कर पाते हैं सो दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी तो इसीलिए मैं अपना बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़कर इमेज कॉन्शियसनेस छोड़कर मैं ये अटेम्प्ट कर रही हूँ कि मैं आपके लिए गाऊँ और आपको कनेक्ट करा सकूँ कृष्णा के साथ वो वो ट्रूथ के साथ हम लोग अभी जिस माया में फंसे हुए हैं मोह में फंसे हुए हैं इनसे मैं आपको ऊपर उठाकर वो सुप्रीम ट्रुथ वो एब्सोल्यूट लव अनकंडीशनल प्योर लव के साथ कनेक्ट करा सकूँ जो राधा कृष्णा है एक बार उनका प्रेम फील कर लेना तो फिर और हमें किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रहता है दैट इज प्योर दैट इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ लव तो देखिए अगर आप फील कर पाते हो तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी अपने मकसद में थैंक यू सो मच हरे कृष्णा। अब आप गाना सुनिए

ये भजन का लिंक सारा चैट में शेयर कर दीजिए इसको आप लोग जितने बार सुनेंगे, you will feel connected भले आपको भाषा ना समझ में uh, आप लोगों को सम मतलब यू विल वो भाव समझेगा कि प्रभु से यही कह रहे हैं कि अपने चरण मुझसे दूर मत करिए और मैं आपके पास हारना चाहती हूँ आप जीत लीजिए मुझे तो ये मैं जब जब सुनती हूँ मैं ही इमोशनल हो जाती हूँ मतलब और कहाँ-कहाँ भागो कहाँ कहाँ दौड़ो अपने इच्छाओं के लिए जबकि मेरा डेस्टिनेशन है आप हो प्रभु तो आप बस करते हैं आपके चरण दे दीजिए वही मेरा सब कुछ है आई विल रिक्वेस्ट दिव्य आत्मा आपको तो बंगाली अभी समझ में आती है आपको ये गाना सुनकर आप जो भी फील किया आपने आप जरा अपना विचार एक्सप्रेस करिए मिहिका का माइक अलाउ कर दे तू तो प्रेजेंट और है। मी का माइक अलाउ है तुम्हारा हाँ नहीं नहीं मेरा ड्रॉप हुआ था बीच में ऐसे नहीं हाँ बट यू स्टिल प्रेजेंट हम्म अभी okay. आया ओके okay. हाँ मैंने किया ओके okay. uh, okay. okay. हरे कृष्णा माँ वो ना कृष्णा जी और राधा माँ के सीट के पास एक्चुअली बैठे हैं विथ यू एंड Uh, वो भजन कंटिन्यूसली लूप में स्टिल प्ले हो रहा है आई मीन आप स्टिल यू आर स्टिल सिंगिंग दैट सॉन्ग इन गोलोक वो बाहर नहीं आए अभी तक अब तो उन उनसे नहीं बुलवा सकते कुछ वो भी नहीं आएंगे हाँ आप आप भी वही पे हो वो भी वही पे है और आप दा, दोनों राधा कृष्णा के फीट पे के यहाँ पे बैठे हो

तो वो मुझे जैसे रूपाली हमेशा से बोलता है बचपन से मतलब तो बचपन मतलब गोलक के टाइम से ही कैन मेंटेन दैट मैं उनके लिए वही सेम रूपाली हूँ कोई चेंज नहीं है मुझ पर यह भी उन्हें बता ठीक हाँ माँ ओके सो विल कंटिन्यू एंड टू यू कैन रीड द चैट्स नाउ अनंत तो इसके बाद के स्लाइड्स हैं क्या माँ एन का एक पोस्ट रेडी है तो अगर टाइम होगा तो वो हम कर सकते हैं मैं इन वन का पोस्ट था तो वो करेंगे कंटिन्यू अभी हाँ चलेगा थैंक यू प्रभु जी ओके ठीक है तो चैट रीड करते हैं तब तक दिव्यात्मा आ जाते हैं बोलने तो इट इज फाइन वो करेंगे तब तक नहीं आते हैं तो एन वन कैन स्टार्ट और फिर वो जब आते हैं तब उन्हें पकड़ेंगे हम चल ओके okay. um, ममता कटहल का है आई लव यू कृष्णा पापा सरिता तनवर राधा कृष्णा संतोष है थैंक यू रूपालीमा दिव्य आत्मा इतने सुंदर राधा कृष्णा की स्तुति के लिए श्रेयसी अः ब्यूटिफुल स्तुति अच्छा स्तुति मा ऑन दिस फादर्स डे टू आर सुप्रीम फादर कृष्णा जी इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स माँ कृपया करें कि हम आपके नाखून के बराबर पहुँच सकें लव यू मा ऑल्सो ब्यूटीफुल स्तुति बाय दिव्या आत्मा क्राइंग लिसनिंग दिस थैंक्स अ लॉट माँ फॉर कनेक्टिंग अस टू राधा कृष्णा जी थ्रू यू गरीमा चौधरी थैंक यू मा दिव्य आत्मा फॉर द अमेजिंग स्तुति आई क्राइट एंड क्राइट बाई लिसनिंग लव यू मा

थैंक यू रूपाली माँ और दिव्य आत्मा फॉर ब्लेफुलू मा लव यू कृष्णा जी विशाल खन्ना थैंक यू रूपाली मा एंड दिव्य आत्मा जी फॉर द सुपर ब्यूटिफुल स्तुति ऑफ कृष्णा जी बियॉन्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू सो मच साइली इंग्ले माँ जैसी आपने स्तुति शुरू की रोंगटे खड़े हो गए थैंक यू मा एंड थैंक यू दिव्य आत्मा लव यू कृष्णा जी ईशान कृष्णा थैंक यू मत दिव्य आत्मा इतनी सरलता से अपनी स्तुति करी बहुत ही सुंदर थी लव यू कृष्णा जी माँ एंड दिव्य आत्मा अनन्या जैन थैंक यू सो मच माँ एंड आत्मा फॉर सच ब्यूटीफुल स्तुति ऑफ कृष्णा जी टोटल गोज पम्स लव यू कृष्णा जी माँ आई बी का है रूपाली माँ

अपसेट्स कृष्णा जी दैट वी आर इन पेन इज दी ओनली अनकंडीशनल लव दैट वी कैन एवर एक्सपीरियंस एंड दैट्स द लव यू प्रोवाइडर्स माँ थैंक यू माँ निहारिका सिन्हा थैंक यू सो मच माँ कृष्णा जी की इतनी सुंदर स्तुति के लिए सो 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 वंडरफुल फीलिंग माँ आंसू रुक ही नहीं रहे थे आपको कोटी कोटी नमन माँ माँ शब्द ही नहीं है कुछ बोल ही नहीं पा रहे आत्मा जैसी पूरी क्लीन हो गई है थैंक यू सो मच माँ थैंक यू सो मच राधा कृष्णा योगिता महा तो मां कृष्णा जी तो हमेशा ही हमारे साथ हैं जब माँ आप और दिव्या आत्मा कृष्णा जी की स्तुति कर रहे थे तो जैसे हम अलग ही दुनिया में गए मां जैसे ही आप राधा कृष्णा बोले जैसे ट्रांस में गए मां थैंक यू दिव्य आत्मा थैंक यू माँ स्वाति ढकाते माँ शब्द नहीं है मन की स्थिति बताने के लिए माँ की स्तुति से कृष्णा जी से कनेक्शन फील हुआ और दिव्या आत्मा की स्तुति ने कृष्णा जी का प्यार फील कराया आपके राधा कृष्ण कृष्णा के जाप से खूब अच्छी वाइब्स आई मन भाव विभोर रहा है uh, आंखें भरी हुई हैं दिस इज अ डिवाइन फीलिंग थैंक यू माँ थैंक यू दिव्यात्मा श्वेता शर्मा माँ कृष्णा जी का प्रेजेंस फील होता है जब भी ये सेशन होता है आपकी हर बात में उनको महसूस कर पाते हैं आज सुबह से बहुत याद आ रही थी कि प्रभु की लग रहा था कि कृष्णा जी ही हैं जो सब कुछ है बाकी सब मटेरियलिस्टिक है सृष्टि संजना थैंक यू सो मच माय दिव्य आत्मा फॉर द प्योर डिवाइन एक्सपीरियंस आज कृष्णा जी अपने पिता को और भी अच्छे से जान पाए थैंक यू माँ फॉर द स्तुति इट वाज सो सो ब्यूटीफुल फेल्ट हैवी एनर्जी फ्लो अब माय हेड एंड माय हार्ट वाज पाउंडिंग फास्ट राधे कृष्णा Happy Father's Day. This session is taken. Thank you and pranam, Devi Atmaji for your message and stuti, which I felt with ec ecstasy. I do not want to be away from Krishna Ji, who is my original father. He lives in my heart. I offer my love to Krishna Ji. Pure love has flown in us with the stuti of Krishna Ji by Rupali Ma and Devi Atma. Literally, I felt my soul stood before Radha Krishna, which is possible with Ma. Only God bosoms and tears seeing Radha Krishna. विच ऑन अस धन्य हो गए माँ आपकी स्तुति से विच इज स्पेशल दिस डे थैंक यू मां

अर्शीला सूरी राधे कृष्णा आपको कोटि कोटी नमन राधे माँ एंड कृष्णा जी थैंक यू थैंक यू सो मच बॉडी थैंक यू सो मच माँ लव यू राधा कृष्णा लव यू रूपाली माँ संध्या जी कोटी -कोटी Rome, Rome, dancing, so Krishna, Sandhya, uh, का uh, Dika, आपकी स्तुति सुनकर आई जस्ट सॉबिंग मा सोल पूरी तरह से झंझोड़ गया रोम रोम में कृष्णा जी का एग्जिस्टेंस उनके की, उनके दुलार की उनकी स्माइलिंग स्वरूप भर गया अनएबल टू फाइंड वर्ड और कंटेन माई ट्य स्वाति अरोड़ा हरे कृष्णा and थैंक दिव्या आत्मा फॉर द felt काइंडनेस एंड लव

विरह फील हो रहा था आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे माँ कृष्णा जी से हमें मिलवाने लेके गए अलग ही लेवल पे पहुँच गए थे थैंक यू सो मच माँ अंतिव्य आत्मा कृष्णा जी की स्तुति के लिए माँ शब्द नहीं है प्रीति चौधरी हरे कृष्णा माँ थैंक यू माँ दिव्या आत्मा फॉर द अमेजिंग एंड पावरफुल स्तुति लव यू माँ लव यू कृष्णा जी गुड़िया मालविया हरे कृष्णा माँ थैंक यू सो मच माँ दिव्या आत्मा जी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल राधा कृष्णा स्तुति थी थैंक यू सो मच माँ आई लव यू माँ एंड कृष्णा जी हैप्पी फादर्स डे माई सोलमेट कृष्णा जी दीपिका शाह लव यू राधे कृष्णा माँ बहुत ही ब्यूटिफुल स्तुति माँ माँ जब आपने लव यू राधे कृष्णा बोला पूरा बॉडी हल्का ऐसा लगा कि जैसे बॉडी में है ही नहीं और जब दिव्य आत्मा जी ने कृष्णा जी की स्तुति की पूरा ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ कितने बार हम लोग कृष्णा जी को दुख दिख करते हैं आई से आंसू आ गए और जब आपने राधा कृष्णा बोला पूरा खो ही गई मां लव यू मां थैंक यू माँ Entry, इतनी सुंदर स्तुति हमने हमारे सुप्रीम फादर कृष्णा जी के सुंदर आंख से आंसू बह रहे थे पूरा शरीर काप रहा था आंख से आंसू बह रहे हैं आंख खोलने का मन नहीं कर रहा यह हमारा सौभाग्य है कि आज ये स्तुति हम मा... आपके माध्यम से कर पाए की स्तुति इतनी दिव्य है कि मैं तो खो गई गई दिल के अंदर आत्मा तक बस आपके राधा कृष्णा जी के उच्चारण ने बिल्कुल गोलोक पहुंचा दिया राधा कृष्णा जी साक्षात सामने दिख रहे थे मां जो महसूस हुआ उसको वर्णित करना संभव नहीं है चोरीनो धोरी तो भजन में सुबह ही सुन रही थी एमबी तो स्तुति वो सो एक एक शन, हर एक हर भी अगर कृष्णा की स्तुति करें फिर भी हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ेगी माँ कृष्णा जी ने इस सृष्टि में सच्चा प्यार भर भर के रखा है मगर हमारी वर्ल्डली चॉइसेस के वजह से वो सच्चा प्यार को ठीक से समझ नहीं पाते आज आपने उस सच्चे प्यार की अद्भुत अनुभूति हम सबको दिया है माँ माँ प्लीज ब्लेस मी विद इनफ स्ट्रेंथ टू बी लॉस्ट इन दिस लव एंड बी ऑफ लिटिल यूज इन योर मिशन दिव्य आत्मा जी को साष्टांग प्रणाम प्रभु जी आपने जो स्तुति सुनाई मिहिका के थ्रू वो सुन के मन बहुत मैं बहुत बहुत रोया यू एक्सप्लेन सो मच सो ब्यूटिफुल्पली सो सिंपली सो कम्प्लीटली रियली माई हार्ट इज बीटिंग एट अ डिफरेंट लेवल एवर सिंस आई हर्ड योर स्तुति सीकिंग सीकिंगनेस फ्रॉम राधा कृष्ण मा एंड दिव्य आत्मा प्रभु जी एंड द लीडर्स ऑफ सोल पीस ग्रुप फॉर ऑल माइ इमेंसली डीप ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग सुकन्या कृपया का है अंटिका हरे कृष्णा दिव्य आत्मा स्तुति अबाउट कृष्णा जी इज सो अमेजिंग I I felt felt ecstasy and 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 goosebumps while listening to it. Each and every word is filled with divinity. I felt peaceful and feather light feeling. आज आपने और दिव्या आत्मा ने सच में फिर से हमारे पापा से मिलवा दिया इट वॉज अ ट्रांसमोमेंट एंड हार्ट में फील हुआ थैंक यू मान दिव्यात्मा फॉर दिसली स्तुति हैपी फादर्स डे कृष्णा जी Smile, kisses, hugs, and कि विवेक वाव रियली ऑस्ट्रक स्तुति की हर एक लाइन वॉज जस्ट वाव कृष्णा जी के प्रति वो डीप डीप वाला लव फील हुआ जो आपने बोला वो हमारे हार्ट में रहते हैं कि ताकि वो हमारे हर पल मदद कर सके दैट वॉज लाइक वाव हम कितने मूर्ख हैं कि हम उन्हें ही भूल जाते हैं जो हर पल हमें प्रेम से सींच रहे हैं जिनकी वजह से हम हैं थैंक यू सो मच माँ शोभा मालवीय हरे कृष्णा माँ थैंक यू सो मच माँ आज फादर्स डे के दिन आपने जैसे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है मुझे गिफ्ट है माँ जब आपने हमारे पिताजी की स्तुति की तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और उनको महसूस किया कि वो कितने प्यारे हैं और हर वक्त हमारे साथ हैं माँ और ऐसा लगा कि अब कुछ और नहीं चाहिए और माँ दिव्य आत्मा जी की स्तुति करते ही बहुत हिचकियां दे देकर रोना आया और हेडेक हुआ और फिर धीरे धीरे सब लाइट हो गया माँ अमेजिंग अमेजिंग माँ मेरा सब कुछ न्योछावर आपके और मेरे माता पिता के लिए

And was literally dancing, crying, can't describe it in words. And throughout, Krishna ji was so, so cutely smiling and looking at you. Entire cosmos was standstill and was radiating, was full, sparkling gold. And then, when Divya Atma started, how Krishna ji cries at every sadness of ours was lost. How merciful, kind, compassionate, and loving Father he is.

ममता कटहल सो ब्यूटिफुल स्तुति माँ सोल को टच कर रहा था माँ कितना करु कितनी करुणा से भरी थी माँ आपकी स्तुति माँ वो वर्ड्स की लोगों को बोले हुए गलत वर्ड्स अब कृष्णा जी के पास ना जाकर आप पर आकर रुक जाए माँ ये करुणा कब किसने दिखाई होगी आज तो लगा खुद कृष्णा जी भी इंजॉय कर रहे होंगे कि इतना प्यार एक इंसान से आ सकता है मां दिव्य आत्मा की करी हुई स्तुति बॉडी को डायरेक्ट फील कर रही थी लव से थैंक यू सो मच मां फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन श्वेता शर्मा आई विल रिक्वेस्ट रूपाली मां प्लीज मेक मी फील दी हग ऑफ राधा मां आपने प्रीटी सेशंस में कहा है कि बहुत अच्छे से हग करते हैं वो प्लीज मां आई रिक्वेस्ट यू क्योंकि आज वो प्रेजेंट है आई वांट टू हग हर ताकि ये जो बार-बार हम गिर के उठते हैं वो स्टॉप होके सिर्फ सीधा बैलेंस करके चल पाए आई वॉन्ट टू हग यू एंड राधा माँ बोथ श्वेता आ, कभी भी कर सकती हो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ रूपाली कर सकती है राधा माँ हम सबकी माँ है हम सब उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो बस आंखें बंद करो मी को डिलीट करो मी को डिलीट नहीं करोगी तो महसूस नहीं कर पाओगी मी में क्या आता है मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए मेरे साथ गलत हुआ है ये सब मी 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 जो है उसको डिलीट कर दो कुछ नहीं खाली पाइप बनो एकदम मेरा कोई अस्तित्व नहीं है जो है राधा कृष्ण है हे राधा माँ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप श्वेता और बाकी सारे मेंबर्स जो आज प्रेजेंट है सबको अपना हक महसूस करवाइए हम जब जब लाइफ में गिर जाए जब जब हमें लगे कि आत्मा की शक्ति हमारी कम हो रही है हम बस आपसे हक करके वो फिर से शक्ति पा ले प्रभु आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप प्लीज सब को हक करके वो महसूस करवाए कि आप हैं और जब आप हैं तो बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता सब फीका है बस आप हैं माँ आप ही हैं करो श्वेता हग हाँ। वो भी तो मैं कर रही हैं तुम अनम्यूट करके बोल सकती हो हाँ मैं माइक अलाउ करती हूँ एक सेकंड माइक अलाउ किया श्वेता आपका श्वेता, हाँ, श्वेता? आपको बहुत, बहुत तो मतलब तो, माइक्रोफोन के पास आओ हाँ माँ आसपास में बहुत, बहुत ज्यादा मतलब मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी अच्छा तुम पहले मुझे हक करो देखो मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास और मुझे मैं मैं तुम्हें टाइट हक कर रही हूँ एकदम शांत हो जाओ आसपास जो होता है होने दो होने दो आसपास का कुछ नहीं सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ ये तुम्हारी आत्मा का फूड है अभी मुझे फील किया माँ। आ, जोर से बोलो डियर हो रहा है आपको तो महसूस कर पा रही मैं okay, मुझे किया ना अभी ये बोलो कि मैं रूपाली माँ के थ्रू राधा माँ को महसूस करूँ तो अभी मैं ब्रिज बन जाऊंगी मैं रूपाली माँ के थ्रू राधा माँ को महसूस करूँ उनका हक महसूस करूँ उनका हक महसूस करूँ देखो अब राधा माँ तुम्हें हक हाँ कर रही है, है, है माँ हाँ उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ना मैं तो ट्रांसफार्मर का काम करती हूँ एकदम हार्ट में ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवी हैवी फील हो रहा है। आ, वो एक्चुअली तुम्हारा कचरा साफ हो रहा है भी। तुम्हें रोना आ रहा है क्योंकि तुम हमेशा से उनके बाहों में ही तो थी पहले। बस भूल गई ही। अभी फिर याद आ गया। वही तो थे हम सब। ठीक है अब इस अनुभूति को एक्सपीरियंस करते रहो ये ब्लिस है और बाकी सब लोग भी अगर डायरेक्टली आप नहीं कर पा रहे एक्सपीरियंस तो मेरे थ्रू करो तो आप फील कर पाओगे मैं वो ब्रिज का काम करती हूँ ना तो मेरे थ्रू कर लीजिए ठीक है तो आगे बढ़ सकती थैंक यू कृष्ण हरे कृष्ण ठीक श्वेता शर्मा कह गया उसके बाद है सविता राव वेदांग सूर्यवंशी का राधे कृष्णा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सच कृष्णा जी इट वॉज सो हार्ड टचिंग कुड फील कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा जी एंड टीयर्स इज माय आईज रियली आपके द्वारा आपसे सुनकर रोम रोम भी फील होता है कृष्णा जी का लव थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अनुभव अंकिता कुलकर्णी मा फेल्ट ब्लेस्ड Thank you for connecting to Krishna Ji. Love and beautiful song sang Ma. You thank you. Um फॉर ब्लेसिंग हैप्पी टू कनेक्ट यू माँ हरि बोल सुषमा जी का है थैंक यू माँ दिव्य आत्मा प्रणाम स्वीकार करें माँ आपके द्वारा जैसे ही कृष्णा जी की स्तुति शुरू हुई माँ मेरे नेत्रों से अभी तक आंसू रुकने का नाम ले नहीं रहे माँ आत्मा तृप्त हो गई आपकी और आत्मा ने जो स्तुति की है माँ निशब्द हूँ मेरा रोम रोम पुलकित हो गया आज का सेशन इज ऑसम माँ बहुत बहुत आभार माँ लव यू राधे कृष्णा रिया Radha Ma, this tuti has echoed and has been recorded across all the universes, their lower planes, their higher planes. It will be played now in regular basis across the entire area. Ma, only this stuti has managed to trigger back Lord Krishna's memory in negative beings also, which includes SL. He got a 0.5 second flashback of when he loved Radha Krishna. Ma, all the beings in the Patal are in tears. It's like they have stopped all work and dropped to their knees to listen to the session. Thank you so much, ma. Claire, once confirm karo is baat ko because this is huge. This is green, ma. Ha ma, ye hua. Ha ma, this is green. SL ko 0.5 seconds ma, But yeh allowed tha, aame ko daat toh nahi padegi? डांट <laughs> नहीं पड़ेगी दिस वाज वेरी मच नॉट अ बजर सिचुएशन मुझे तो वही डर लगता रहता है कि मुझे डांट पड़ जाएगी अब इनफैक्ट इट्स इट्स एक्चुअली अप्रिशिएटेड क्योंकि आपने एसएल uh, uh SL, मतलब ये जो था ना वो इट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सोल्स विच वर ट्रैप्ड इन द लोअर रेम्स इन पताल आल्सो टू मूव अप

इन पे काम नहीं हो सकता लेकिन उनमें भी स्कोप दिखा वो तो ठीक है पर मैं ये अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही हूँ इस बात को रिया से ज्यादा तो मैं को कोई को जानता नहीं है वही मैं रिया को माइक अलाउ करो माइक तो अलाउ करेगी कुछ बोलेगी नहीं वो शर्मा हाँ, बोलेगी नहीं और पाताल के बारे में उस रानी के से ज्यादा किसको पता चलेगा ना मैं आइये बोलेगी बोलेगी मैं मेरे माइक से बोलेगी ओके okay. के पहली रिया ने मुझे डांट दिया है हाँ बोल बेटे तूने अभी जो लिखा वो बोल क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा बिकॉज स्तुति इसलिए एल तक भी वो कोर्स पहुंचा क्योंकि सब यूनिवर्स में एक हायर प्लेन रहता है लोअर रहता है तो हमारे में बिकॉज वी आर नियरर टू आवर यूनिवर्स एस तक भी वो गया एंड उसने जब सुनाप का स्तुति देर वॉज वन सेंटेंस विच आर डोंग रिव्यूल्ड जिससे उसका जीरो पॉइंट फाइव सेकंड का ट्रिगर हुआ मेमोरी

एक्सट्रीम लेवल ऑफ इवेलनेस था वो रिड्यूस भी हो गया जिसकी वजह से बहुत लोगों की ऊपर प्लेन्स में शिफ्ट भी हो गया अच्छा ओके अच्छी चीज हुई है मुझे डरने की कोई बात नहीं है ओके थैंक यू रिया वो सेंटेंस किसी को दिखा क्या बाकी क्लेयरव को जिससे एस एल का ट्रिगर हुआ एस एल है शैतान हाँ हम उसका नाम नहीं लेते क्योंकि वो पावरफुल हो जाता है <laughs> तो एस एल की जब हम बात करते हैं वो है मतलब सबसे खतरनाक इवल बींग ठीक ओके okay. हाँ लेकिन उसके ऊपर के है उसके ऊपर और भी कुछ है वो आपके सिलेबस में नहीं है आउट ऑफ सिलेबस है वो अभी के लिए आप इतना ही जानो हाँ तो वो सेंटेंस पता चल रहा है क्या क्लेर जिसके वजह से ये हुआ व्हाट वाज दैट सेंटेंस नहीं मैं वो देख अगर डिवाइन डिवाइन आत्मा आ गए तो उनसे पूछ वो वापस आए हाँ आप ले क्या है <laughs> <laughs> वो वापस आ गए हैं बट वो वापस आए नहीं है इफ दैट मेक सेंस दिव्यात्मा आप प्लीज अभी सेशन में थोड़ा सा कोऑपरेट करिए ना हमको कुछ कुछ क्वेश्चंस है हाँ <laughs> मैम वो है वो आ गए हाँ हम्म रिया ने जो बोला आपने सुना हाँ हमने सुना रिया ने सही बोला हाँ आपको वो वो सेंटेंस आप बता सकते हैं जिससे एसएल को वो पुरानी मेमोरी आ गई आ, नहीं मतलब वो ही? रिवील रिवील होना इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि अगर वो सेंटेंस फिर से रिपीट होता है तो वो फिर से वही इम्पैक्ट करेगा एंड इस बार वो पॉइंट फाइव से ज्यादा करेगा तो इसीलिए अलाउड नहीं है वो सेंटेंस रिवील करना पर इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ जैसे कि वो सेंटेंस बार 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 बोलू <laughs> अच्छा ठीक है चलो फिर तब मुझे डांट पड़ सकती है यूनिवर्स यूनिवर्स का आपका आपका पर... पता है हाँ, मैं कितनी शैतान हूँ <laughs> शैतान को भी नहीं पता <laughs> हाँ, अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच और जी मैंने आपको कुछ पूछा वो मेहका आपसे पूछेगी और मेहका आपको एक और, और इंस्ट्रक्शन भी देगी और आप मैंने आपकी भी स्तुति की थी आप वो तब तक थे आप कि उसके पहले आप पधार चुके थे नहीं वो जा चुके थे आ, वो अभी स्तुति सुनते उनकी खुद की तो फिर मैं वो उनका स्टेट चेंज हो जाता बस स्तुति तो सुननी पड़ेगी मैंने आपकी जो की थी ऐसे तो नहीं हो सकता है तो वो सुनिए आप पहले और आप प्रॉमिस करिए कि आप अपना स्टेट मेंटेन रखेंगे वो कह रहे कि पहले वो आंसर करेंगे मतलब जो आपने चोरना धोरी का पूछा था उसके बाद वो खुद की स्तुति सुनेंगे सेशन के बाद उनको पूरा नहीं सेशन नहीं नहीं सेशन के बीच में सुनना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है बासी स्तुति नहीं अलाउड है तो आप अभी पहले आंसर करिए चरण धोड़ तो वाला फिर आप मई का को जो मैंने बोला इंस्ट्रक्शन वो सुनिए उसके बाद आप वो अपनी सूती सुनिए फिर आप कुछ बोलेंगे उसके बाद ही सेशन एंड होगा <laughs> हाँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर डालना पड़ता है वरना वो अपने ही अलग स्टेट में चला जाता है उनको बोलना पड़ेगा कि सेशन बंद होगा तभी ही मेंटेन हाँ बोलिए हम सुन रहे हैं ठीक है पहले चरण तो वाला वो कह रहे कि आ, जब रूपाली ने आ, वो भजन गाना शुरू किया पहले ही जब वो दो लाइन जब उसने गाई इस सेशन में तब तभी हम ऊपर पहुंच गए थे आ, श्री कृष्णा और श्री राधा के पास और आ, हम और रूपाली उन्हीं के चरणों में बैठ के वही पे रूपाली गा रही थी और जब अंटू ने ये आ, प्ले भी किया था जो रिकॉर्डेड वाला था तो आप ये मत समझिए कि आप बस एक रिकॉर्डेड गाना सुन रहे थे अ वो जो प्ले हो रहा था वो वहां से गोलोक से प्ले हो रहा था वो गाना उसकी वो भजन उसकी एनर्जी वहां से नीचे आ रही थी और आप सब पे वो एनर्जी आप सबके अंदर वो एनर्जी फ्लो हो रही थी हमने जब वो सुना हम तो पहले ही आ, शब्द में बिल्कुल खो गए हमें तो ये भी नहीं लगा कि हम प्रभु के आ, पैरों के पास रहे हम बस उनके पैरों की धूल भी बन जाए ये भी हमारे लिए बहुत था बट जैसे रूपाली कहती है कि बस धूल उन्हीं के पास रहेंगे तो कैसे चलेगा उनका काम भी तो तो करना है तो इसी बस यही एक अः रूपाली के थॉट की वजह से हम उनके चरणों में ही थे ताकि आप सबको जैसे रूपाली है रूपाली का साथ दे आप सबको भी वहां तक पहुंचा सके वहां तक आ, आपको वहां तक पहुंचा के आपको वो फील करा सके जो रूपाली हर हर महसूस करती है आ, फिर उसके बाद, उसके बाद बाद उनको कुछ याद नहीं, याद नहीं आज इट इज ऑल गोलो का मेमोरीज़ विच ट्रिगर्ड विच इज नॉट अलाउड टू बी वो पूरा जैसे रहते थे, थे वहां पूजा जो होती थी तो ठीक है ठीक कोई बात नहीं आपने इतना बोला थैंक यू सो मच अभी हमारे पास 15 मिनट्स है चैट्स खत्म नहीं हुए एंड टू चैट्स पढ़ दे तब तक आप अपना वो करिए ना होमवर्क स्तुति सुनिए अपना ओके एन वन के स्लाइड्स है ना, ना। <laughs> आपको स्तुति तो सुननी पड़ेगी आपने आपको पता रहना चाहिए ना कि क्या है ना गोलकवासी बहुत ही हम्बल होता है ग्रिड, कोई कुछ नहीं होता लेकिन आप भी कितने इम्पोर्टेंट है ये आपको पता रहना चाहिए ना और वो मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा तो जैसे मैं कृष्णा जी की स्तुति करती हूँ वैसे मैं आपकी भी स्तुति करूंगी और वो सुनना पड़ेगा आपको ठीक है Uh, MB, Ma, your life rendition of Chorono Dorito is so, so, so beautiful. True justice to the words and tune of the song is fulfilled in your voice only, Ma. I've heard this song and other voices on YouTube, but nothing even close to your song. Thank you so, so much for this, Ma um Ali uh, In your arms, a haven of warmth and care, a gentle touch that banishes every fear, a steady presence, a pillar of might. You lead by example, shining so bright, wishing the real life superhero a very happy Father's Day, sending warm wishes full of love and gratitude. May you have a memorable day filled with joy and contentment, or gratitude, onto your lotus feet.

माँ आपका एक एक वर्ड आत्मा को झकझोर रहा था माँ राधे कृष्णा जी की एनर्जी हार्ट को टच कर रही थी बहुत रोना आ रहा है माँ लव यू सो 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 मच है हरे कृष्णा माँ थैंक यू सो सो फॉर ब्यूटिफुल कृष्णा जी की तारीफ की है यस माँ कृष्णा जी है तो हम हैं तुम नहीं तो कुछ नहीं ब्यूटिफुल सॉन्ग भजन बाय यू माँ गॉट वेरी इमोशनल मिसिंग कृष्णा जी लाइक एनीथिंग लव यू मा राधे कृष्णा का वो क्राई आईज वाला है फिर श्वेता शर्मा टीयर्स केम रोलिंग डाउन वेन यू स्टार्टेड लाइफ द स्तुति टू द फिनिशिंग ऑफ रिकॉर्डिंग कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स द होल पिक्चर ऑफ हाउ आई कम केम अक्रॉस सोल पीस एंड हाउ आई रिक्वेस्टेड कृष्णा जी टू हेल्प मी एंड हाउ आई गॉट एसोसिएटेड टू सोल पीस टिल नाउ हाउ आई सो कृष्णा जी इन माई ड्रीम रिसेंटली टू हाउ यू टोल्ड मी इन माई ड्रीम कि कृष्णा जी इज विद यू द होल पिक्चर प्लेड इन फ्रंट ऑफ माई आईज अच्छा ममता मा सॉरी मयूर पाटल राधे कृष्ण मा थैंक यू सो मच मा फॉर द क्लेंजिंग द स्तुति डन बाय यू मा एंड दिव्यात्मा थ्रू मेहका दी बहुत हार्ट वार्मिंग था माँ लाइक घोषं हुए राधा कृष्णा को फील किया मां आंखों में पानी आ गया माँ थैंक यू सो मच माँ फॉर मेकिंग आर्स इनकारनेशन यूजफुल थ्रू द भक्ति अंडर द गाइडेंस ऑफ यू एंड दिस भजन इज हैविंग सो मच पीस इट ब्लूसफुल माँ कृष्णा जी फील होते हैं माँ के वॉइस में थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग Swata Sharma, I love you, Rupali Ma. Thank you so much for making me experience this blissful feeling of connecting to Krishna Ji. Sudevta Das, Hare Krishna Ma, it was such an amazing session where I feel so blessed that I can hear and feel this beautiful stuti from you and Celestial Beal and

मैं हमेशा सुनती हूँ थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस ब्यूटिफुल भजन प्रीति uh, राजपूत ने जिफ्ट भेजा है वो सूफी वाला डांस करते हुए किडो एंड देन शी इज़ रिटर्न हो गया बट अच्छा उनका कर रहा है थैंक यू स्माइल एंड हार्ट स्पर्श गुप्ता का है, है बहुत, बहुत थैंक यू मैम uh, थैंक यू सो मच दिव्य आत्मा जी बहुत ही थी कृष्णा थी। 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 really जी लव यू माँ अंकिता कुलकर्णी थैंक यू रूपाली माँ आई लिस सॉन्ग मॉर्निंग यू अगेन यू सेंग संग सॉन्ग सो ब्यूटिफुल माँ हरी बोल uh, अंजू गुप्ता हरे कृष्णा रूपाली माँ माँ आज फादर्स डे के दिन ये संडे सेशन वाव माँ आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है आज रोम रोम, रोम रोमांचित हो गया माँ माँ आपका ये मीठा भजन कानों में रस खोल रहा है माँ प्रभु के साथ साथ आपके चरणों को भी प्रणाम और हक करती हूँ माँ आप और कृष्णा जी मेरे साथ हैं तो अब और हमें कोई दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है मां मैं अपना सब कुछ आपको सौंप रही हूँ मां आप ही मेरी कृष्णा हो माँ रूपाली मां पर आपका हाथ है और सब अब सब अब कुछ अच्छा होगा मां मैं जब अपने बेटे से कल मिलने गई थी तो आपका फोटो दिखाया था और वो सब कुछ करने को कहा लव यू माँ लव यू कृष्णा जी हैप्पी फादर्स डे कृष्णा जी निहारिका सिन्हा का है अच्छा तुषार शेखर का डाला इन्होंने हरे कृष्णा फॉर वंडरफुल स्तुति ऑफ राधे कृष्णा हैप्पी फादर्स डे टू माय लवली राधा कृष्णा किशोर पाटिल हरे कृष्णा माँ मैं टेन फिफ्टी फाइव से कनेक्ट कर रहा था बट नहीं हो रहा था बट अभी कनेक्ट हुआ जब आप भजन सुना रहे थे तब बहुत शांति मिली थैंक्स मान एंड आत्मा सुषमा जी का है मा क्या कहूं मेरे पास कोई शब्द नहीं है मुझे इस भजन रूपी स्तुति द्वारा कृष्णा जी से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए मैं तो उसमें खो गई आ, राधा कृष्णा अलग ही ट्रांस एक अलग ही ट्रांस में चली गई आज फादर्स डे पर मेरा नमन स्वीकार करें बहु शिवरिंग हो रही है बहुत शिवरिंग हो रही है अब तक नमन कृष्णा जी रूपाली हरे कृष्णा विंध्या एम माय चैट इज नॉट वर्किंग अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू आर डिवाइन फादर लॉर्ड कृष्णा माँ आपकी स्तुति बहुत ही सुंदर है और कहीं वो ट्रिगर किया हार्ट में दिव्य आत्मा की स्तुति सुनकर कृष्णा जी से कनेक्ट इतना नेचुरल लगा यस गैप कम हो गया कैसे वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे दिल में

कहाँ पहुंच गई हूँ वापस नहीं जाना बस ऐसा लग रहा है जब आप स्तुति कर रहे थे इट वॉज बान जब दिव्यात्मा आत्मा जी ने स्तुति स्टार्ट की शब्द नहीं रहे आपने जब राधा कृष्णा बोला हैव नो नो वर्ड्स थैंक यू सो सो मच मा एंड दिव्या आत्मा जी um,

फॉर कृष्णा जी ब्यूटिफुल स्तुति हैप्पी फादर्स डे टू आर रियल फादर कृष्णा जी मां जब आपने राधे कृष्णा बोला तो ऐसा लगा कि कोई एनर्जी हमको हवा में ले गई धरती से ऊपर उठ गए थैंक यू दिव्य आत्मा जी आपने हमारी आत्मा को कृष्णा जी से मिलवाया लव यू कृष्णा जी आई बी एज यू नो माँ चोरणो धोरितो इज माई ऑडियो दैट इंस्टेंटली कनेक्ट टू कृष्णा जी वेन एवर आई गो आउट ऑफ अलाइनमेंट और आज वाले सेशन में इट वॉज एब्सोल्यूटली आउट ऑफ द वर्ल्ड माँज ऑलवेज थैंक यू माँ रश्मि वर्मा पांच हाट अमे बेटते थैंक यू मा दिव्य आत्मा जी इतनी सुंदर स्तुति के लिए इतनी सुंदर अनुभूति की लगा राधा कृष्णा के सामने खड़ी हूँ बस उन्हीं मैं लीन हो जाऊँ थैंक यू सो मच माँ हरप्रीत कुमार हरे कृष्णा माँ जब आप राधा कृष्ण बोल रहे थे तब देर इज नो मटरियल वर्ल्ड अराउंड मे इट्स ओनी प्लेस थैंक यू माँ एंड माँ थैंक यू For reminding me to wish our heavenly father Krishna ji for Father's Day, I keep talking to Krishna ji in his balkopal Kopal group, so I didn't realize we should wish him for Father's Day. That's very foolish of me. Sorry, ma. K Kirti Mahajan, thank you so much, Maya. And Divya Atma, I think she wants to write Divya Atma for the beautiful stuti. It was so so beautiful. बस हार्ट में वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं अभी तक वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू माँ फॉर मेकिंग अस फील प्योर लव ऑफ कृष्णा जी थ्रू यू एंड दिव्यात्मा हर्षिला सूरी हैप्पी फादर्स डे प्रभु आप हैं तो हम हैं लव यू राधा कृष्णा लव यू मा एंड दिव्या आत्मा जी थैंक यू so सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल स्तुति एक डिफरेंट लेवल की अनुभूति चंद्रिका पांचल थैंक यू सो मच माँ फॉर सो ब्यूटीफुल कृष्णा जी की स्तुति सो रियली अमेजिंग था माँ जब आप राधा कृष्णा बोल रहे थे बहुत एनर्जी फील हुआ आई लव यू मा राधा कृष्णा आपके और कृष्णा जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अंजू गुप्ता माँ आप ही की वजह से हम हैं माँ लव यू मा लव यू कृष्णा पिताजी हैप्पी फादर्स डे कृष्णा जी एंड रूपाली माँ एंड राधा माँ भाग्यश्री माँ मटीरियलिस्टिक लाइफ में मेरे पापा नहीं है आज उनकी बहुत याद आ रही थी पर आपने जैसे स्तुति चालू की उनकी कमी ही महसूस नहीं हो रही सारी कमियां प्यार आज कृष्णा जी ने अपने भर दिया है इतना प्यार भर दिया कि बाकी कुछ बचा ही नहीं है थैंक यू सो मच माँ लव यू माँ ममता कटहल माँ हक करके बहुत रोना आ, आया रहा है आ रहा है

थैंक यू माँ एंड दिव्य आत्मा जी इतनी सुंदर स्तुति के लिए इतनी अच्छी स्तुति इतना अच्छा एक्सपीरियंस था लगा कि राधा कृष्णा जी के सामने खड़ी हूँ थैंक यू माँ हरप्रीत

कर पा रहे हो मैं आज का सेशन तो क्या बोलूं फादर्स डे स्पेशल में अपने जो कान्हा जी की स्तुति की मैं खो गई और उसके बाद डिवाइन गोलोकवासी की स्तुति क्या बोलूं स्पीचलेस रोम रोम में कृष्णा भक्ति भर गई चोरनो धोरी तो वाला सॉन्ग आगे भी सुनी बहुत ड्यूरिंग सेशन की एनर्जी ही कुछ और थी आपको कोटि कोटि प्रणाम कृष्णा राधा को प्रणाम गोलोकवासी को भी नमन माँ एक एक्सपीरियंस शेयर करना है इफ यू अलाउ मी प्लीज ये प्रीति राजपूत ने बोला है मैं उनको चैट के बाद अलाउ करूं या अभी अलाउ करूं चैट्स पढ़ दे पूरा फिर उनको हाँ बोल बोलने को ठीक है और रिया का भी मुझे एक चीज बतानी है कि रिया की भक्ति का अंदाजा ही नहीं है आप सबको वो उसने मतलब उसके पास्ट लाइफ की बात बता सकती हूँ आपको विश्वास करना तो आप करिए कि उसका पास्ट लाइफ में वो कृष्णा की भक्ति करना चाहती थी बट शी वॉज नॉट अलाउड तो उसके लिए उसके सर में खिला ठोका गया उसको बाल खींच घर से निकाला गया उसके हाथों में भी खिले ठोके गए पैर को चेन से बांधा गया इतना टॉर्चर किया गया उसको क्योंकि तो वो कृष्णा जी को प्रेम करना चाहती थी तो मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का एक सेशन कभी रिया ले जिसमें वो जो बोलना चाहे बोले जरूरी नहीं कि वो मेरे भगवत गीता सेशन ही बोले जरूरी नहीं कि वो मेरा पोस्ट ही बोले उसके दिल में जो आता है वो 10 मिनट्स के लिए बोले सो दैट अ उसके मुंह से भी आप सुनो मैं मतलब जो जो कृष्णा जी की स्तुति करते हैं जो जो कृष्णा जी से प्रेम करते हैं मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी बेटी है इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो कृष्णा जी के प्रति प्रेम है वो आप सबको उस सबका थोड़ा सा टेस्ट आपको मिलना चाहिए और जो कृष्णा बेटा है मेरा उसने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती काश मैं शेयर कर सकती थी उसकी पहली मुलाकात विद कृष्णा जी और उसके अंदर जो चेंजेस आए उसके बाद आंखों में आंसू आ गए थे वो तो वो मेरा बेटा बहुत रूल्स फॉलो करता है मेरे जैसा नहीं तो वो उसको भी मैं किसी दिन बोलूंगी कि पांच मिनट के लिए ही कृष्णा जी के बारे में बोले जो जो अलाउड है वो ही बोले क्योंकि जैसे दिव्य आत्मा है ना कृष्णा बेटा मैं दिव्यात्मा आत्मा हम सब लोग गोलकवासी हैं हम पहले वहीं पर थे और हम सब मिशन के लिए ही नीचे आए हैं तो इसीलिए मेरी मेमोरी चली गई है मेरी मेमोरी मैंने वाइप आउट की है जानबूझकर तो मैं बस जो महसूस करती हूँ वो बोल पाती हूँ इन दोनों की मेमोरी है कंप्लीट तो ये दोनों जो अलाउड है वही बोलते हैं तो मैं कृष्णा से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी दिन वो भी हमें सब बताए जो वो अलाउड है बोलना उसके मुझसे भी स्तुति सुनना वुड बी वेरी नाइस हाँ ठीक है एंटू तो बाकी चैट्स पढ़ दे फिर हम प्रीति का लेते हैं ओके आ, रत्ना मालविया ने अनिल मालविया का डाला है राधे कृष्णा माँ थैंक यू माँ लव यू माँ राधे कृष्णा जी का प्रेम फेल

मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग एंड आज इसे वापस से सुन के तो आई वॉज जस्ट डांसिंग बम्स आए और रोना भी था स्तुति वॉज ऑसम एंड वॉज फीलिंग सो हैप्पी थैंक यू सो सो मच मां नमन एंड पर्पल हार्ट ट्रिपल शिफाली गुप्ता का एक और आया है थैंक यू सो मच माँ योर्स वॉज जस्ट अमेजिंग डिवाइन एंड आउट ऑफ़ द वर्ल्ड सो हैिंग इन हार्ट थ्रू आउट स्तुति बाय दिव्या आत्मा वॉज जस्ट ब्यूटिफुल एंड नो वर्ड्स जस्ट एंड ओनली लव धीराज बुद्ध स्तुति वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड आई फेल्ट आई सो कृष्णा जी इज ब्यूटिफुलीट एंड राधा माँ फीलिंग वेरी हैप्पी अंजु गुप्ता माँ ब्लेस कीजिए मंगलवार को बेटे की बेल हो जाए धन्यवाद रूपाली माँ शोभा मालविया हैप्पी फादर्स डे माय ब्यूटीफुल पेरेंट्स राधा कृष्णा आई लव यू ग्रैटिट्यूड मां प्रीति कठल लव यू लवली मां एंड हैप्पी फादर्स डे कृष्णा जी एनर्जी फुल सेशन हार्ट को टच कर रही है लव यू कृष्णा एंड मां अंजू गुप्ता मां रिया का सेशन होना चाहिए लव यू रिया बेटा दीप्ति सैनी हैप्पी फादर्स डे पापा थैंक यू मां for the beautiful and divine stuti of krishna ji rajendra chavan

ये चार्ट सारी खत्म हो गई प्रीति आपका माइक लाओ की आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो दीदी मत बोलो रिया को साल की है छोटी है। अरे कृष्णा अरे पियर कैसी हो मैं ठीक हूँ माँ बस आपकी कृपा है मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे कल से मेरा फोन ना बहुत प्रॉब्लम दे रहा था मैं कुछ चला पा रही थी फेसबुक पे बट जब सोल पीस के पेज पे, पे कमेंट भी नहीं कर पा रही थी सिर्फ दो ही पोस्ट दिख रहे थे एक तो वो ये सिर्फ का वो उसके नीचे मैं स्क्रॉल ही नहीं कर पा रही थी तो मैंने रिंकू दी को बोला तो फिर उन्होंने बोला हमारा तो चल रहा है तुम एक बार माँ को इन्वोक करके ट्राई करो तो मैंने माँ आपको इन्वोक करके ट्राई किया दो तीन बार फेसबुक भी अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल री इंस्टॉल कर लिया तो रात को ग्यारह बजे तक मेरा फेसबुक ही नहीं चल रहा था मैं पोस्ट ही नहीं देख पा रही थी तो फिर रात में मैंने आ, बस इतना बोला मैंने बोला आप तुम लोग नहीं सुधर रहे हो ना तुम रुको मैं सुबह माँ मा को सेशन में बताऊंगी बस मैंने इतना बोला और फिफ्टी टाइम्स आई लव यू रूपाली आई लव यू रूपाली माँ बोल के मैं सो गई तो सुबह जब मैंने सेशन ज्वाइन किया ना उस फेसबुक लिंक पे फेसबुक पेज पे जाके लिंक ज्वाइन किया तो मैंने एकदम से आ, स्क्रॉल करके देखा तो अभी सुबह में चल रहा था वहाँ थैंक यू सो मच आपका आपकी ब्लेसिंग के लिए बस वही एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे मतलब इसका इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं लातों के बहुत बातों से नहीं मानते <laughs> जब तक उनको धमका पर रूटर को फो, फो, आपकी फोटो दिखा के मैं यही बोल रही थी मैंने कहा ये रूपाली माया तुम्हें तो नहीं पता तो एक बार जाके पूछो कौन है नहीं तो अभी सुधर जाओ नहीं तो सुबह मैं संडे सेशन में माँ को बताऊंगी तो इतना बोल के फिर मैंने आई लव यू आपको बोला तो फिर में चलना शुरू हो गया वो गुड गुड जब तक काम हो जा रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हरे कृष्ण ठीक है दिव्या आत्मा जी आप कहेंगे कि कि नहीं कहेंगे <laughs> नहीं कहने वाला ऑप्शन है नहीं उनके पास हाँ। वो तो भ्रमित करना पड़ता है लोगों को लगे कि डेमोक्रेसी है ना वो पूछ रहे कि हम क्या कहे करते आपने सुना आपकी स्तुति हाँ तो मैंने सच में ये सच बोला पता होना चाहिए आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए क्योंकि भक्त जो होते हैं ना वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं विच इज वेरी गुड लेकिन स्पिरिचुअल वॉरियर्स को ये पता होना चाहिए कि उनकी वाणी में या उनके बोल में इतनी शक्ति है सो so देट वो और मोटिवेटेड होके बोले देखिए आज हम दोनों ने बोला और हम दोनों के बोलने से असल तक टच हुआ तो आप अपना पोटेंशियल भी समझिए मैं आपको आपका पोटेंशियल ही याद दिला रही हूँ मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत मानते हैं आप आप हमेशा ये कहते हैं कि रूपाली तुम जिस तरह से कृष्णा प्रेम करती हो मैं सीखता हूँ तुमसे मैं जा, मैं जानती हूँ ये सारी बातें मैं जानती हूँ आप आप मेरी कैसे स्तुति करते हैं अगर अगर आप सबने मैं सारे में बोल रही हूँ अगर आपने कभी दिव्य आत्मा से मेरी स्तुति सुनी ना शायद आप अपना बॉडी छोड़ दोगे तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगी वो मेरे ऐसी स्तुति करते हैं जो हमारे कोर ग्रुप मेंबर्स को ही के तक ही हम मैम सीमित रखते हैं तो लेकिन उनकी स्तुति तो कोई नहीं करता ना तो इसलिए मैं सबके सामने उनकी स्तुति करना चाह रही थी कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो जो खुद एक प्रेम के मिनी सागर है वो आप लोग जानते ही नहीं हो उन, उनसे परफेक्ट बीइंग मैंने नहीं देखा है कभी सो so, ठीक है सर ज्यादा नहीं बोलूंगी फिर आप ही डांटने लगते हो मुझे बाद में सो so तो यही मुझे आपको बोलना था कि आगे भी हमको मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी कृष्णा प्रेम को सबके हृदय तक पहुंचाने के लिए तो मुझे आपका आपके साथ की जरूरत पड़ेगी इस मिशन में तो उसके लिए आपको भी ये जानना होगा कि आप क्या चीज है इतना ही बोलना था मैं आपको और ज्यादा ही परेशान करूंगी ठीक है सेशन में एकदम शांत रहते हैं ना कुछ नहीं बोलते आ, वो बोले कि हम बाद में लिख पीछे से मैसेज आ गया पीछे से आ गया उनका मैसेज मैं वो चैट पे लिखती हूँ बाद में ठीक <laughs> ठीक बस शर्मिले से है ये आत्मा कोई बात नहीं ओके मैं हमेशा एक दो लाइन वाला गाना याद करती हूँ जब जब मुझे लगता है कि मुझे कृष्णा जी को फील करना है वो मैं मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में गा चुकी हूँ फिर से दोबारा करती हूँ आत्मा में बिठा लीजिए इसको एक है इस दुनिया का दाता जाने सबके मन की मन में है विश्वास तो बंदे भक्ति में है शक्ति तो अपने मन में ये अटूट विश्वास रखिए कि वो है और वो हम सबके मन की बात जानते हैं परमात्मा के रूप में और हमारी भक्ति ही हमारी शक्ति है तो जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे जितना प्योर हमारी भक्ति रहेगी वही हमारी शक्ति कहलाएगी तो इतने सारे पोस्ट मैंने जो फेसबुक पे दिए जिनको जिन सबको आपको कंप्लीट करना है प्लीज कंप्लीट करिए उसमें सखूब बाई की स्टोरी है उसमें अलग अलग भक्तों की स्टोरी है जिसमें आपने ये भी देखा कि कैसे संत ज्ञानेश्वर ने एक निर्जीव वस्तु दैट इज वॉल दीवाल को भी उड़ा दिया ही मेड अ वॉल फ्लाई कैसे पॉसिबल है कण कण में है कृष्णा हर मन में है कृष्णा तो सिर्फ लिविंग बींग्स ही नहीं नॉन लिविंग बींग्स में भी है कृष्णा तो जब हम वन विद गॉड वन विद ऑल होते हैं स्टेट में रहते हैं जैसे थे वन वन विद विद गॉड ऑल तो तब हम निर्जीव वस्तुओं पे भी हमारा काबू रहता है जैसे आप लोगों ने कुछ पहले के जूम सेशन में देखे होंगे कि मैं किसी का पेन ऑनलाइन जब मतलब लाइव पेन हटाती थी, थी तो मैं कहती थी दर्द डांस करते करते आप निकल जाओ और ये क्लियर वर्ड देखते भी थे कि हाँ सच में दर्द ऐसे डांस करते करते निकल रहा था हाउ इज दिस पॉसिबल तो तभी मैंने कहा था कि जब आप इन अलाइनमेंट हो विथ कृष्णा एंड इन अलाइनमेंट हो विथ द क्रिएशन ऑफ कृष्णा मतलब आप कृष्णा जी से भी जुड़े हुए हो आप कृष्णा जी की क्रिएशन से भी जुड़े हुए हो तब इट डज नॉट मैटर कि कोई लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है तो ये लेवल पे आना है सबको तो आई विल रिक्वेस्ट मैंने देखा कि हमारा जो स्पिरिचुअल मैराथन है उसमें सिर्फ सौ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि हमारा जो एस है उसमें से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप और लोगों को जोड़िए स्पिरिचुअल मैराथन में अभी सिर्फ एक पर्सन एस डब्ल्यू जीरो में है वीरेंद्र तो वीरेंद्र के साथ बात करनी पड़ेगी सीनियर मेंबर्स को उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि संडे सेशन आने के लिए उनको संडे सेशन के रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आप एनकरेज करिए और उनको भी एसडब्ल्यू जीरो से SW1 लाने की कोशिश करिए जो न्यू मेंबर्स रहे आते हैं आप सब लोग मेंटर्स लोग और बाकी फ्रेंड्स जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं उनको भी स्पिरिचुअल मैराथन में पार्टिसिपेट करने को बोलिए क्योंकि दैट द मोटिवेशन और अभी जो हमारी ही एक मेंबर है जिसने सुदीप्ता जिसने बहुत अच्छा काम किया है उसने जाकर मतलब वो अभी कोशिश कर रही है ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड लोगों को एसबीसी में जोड़ने की बच्चों को उससे प्रेरणा लीजिए एंथ्री जो है नीना आंटी उनसे प्रेरणा लीजिए ये लोग सब अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर जा रहे हैं करने को और बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाकी लोग सिर्फ अपने घर पर बैठकर सिर्फ एसबीसी के कंपलसरी प्रैक्टिसेस करके खुद को बहुत महान समझ रहे हैं तो अगर आप लोग सच में अपने पापा से प्यार करते हैं तो आप भी चाहेंगे कि उनका नाम राइट वे से आगे बढ़े राइट वे से आगे बढ़ना थ्रू सोल पीस अगर आप सच में प्यार करते हैं वरना घर पे बैठे बैठे आई लव यू आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता मैं भी कर सकती थी गोलक में बैठ के मैं नीचे नहीं आती ठीक है तो उनके काम आना है तो आप नहीं चाहोगे की आपके पापा के बारे में सबको पता चले सब आपके पापा से प्यार करे क्योंकि वो है ही इतने प्यारे तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए सबसे सिंपल तरीका है जो जो लेडीज नहीं निकल सकती हैं अपने घर पे मेरे भगवत गीता सेशन ऑर्गेनाइज करिए जिसमें मेरा ऑडियो प्ले करिए भगवत गीता सेशन का कुछ प्रसादम की व्यवस्था करे मुझे बुलाकर प्रसादम को ब्लेस करवाइए जैसे कि वो महाप्रसाद बन जाए वो बांटिए सब में और बोली कि हर हफ्ते आप आइए हम लोग सेशन सुनेंगे फिर धीमे धीमे उनको एस के लिए मोटिवेट करिए एक एक ऑडियो से शुरू करिए और उनको एसबीसी के लिए मोटिवेट करिए एक एक पोस्ट डिस्कस करिए ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि बाहर जाके अनाथ आश्रम ढूंढे या वृद्धाश्रम ढूंढे जो वृद्धाश्रम करवा जा सकते हैं इट इज वंडरफुल क्योंकि वो लोग अपना आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं लाइफ के मतलब इसके बाद उनकी मैच खत्म होने वाली है तो आखिरी इनिंग्स में अगर उनसे कृष्णा नाम बुलवा सके आप और एसबीसी करवा सके सिर्फ कृष्णा नाम नहीं एसबीसी कराना पड़ेगा क्योंकि डिवाइन ना एसबीसी करवाइए और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे वापस तो इससे जेन्युन ग्रुप तो हो नहीं सकता है वो करवाइए तो इससे इससे बेस्ट गिफ्ट आप नहीं दे सकते अपने बूढ़े माँ बाप से करवाइए अपने इन इनलॉज से करवाइए बूढ़े माँ बाप के फ्रेंड्स से करवाइए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी चुकी है वो, वो तो आप प्रति आपका प्रेम है मेरे प्रति जो आपका प्रेम है वो आप जब रेडिएट करेंगे वाइब्रेट करेंगे तब तो उनको वो चीज होगी लेकिन आप ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे ग्रुप से प्रेम नहीं करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होंगे आप ही कृष्णा जी से प्रेम नहीं करेंगे तो नहीं अगर आज मैं कृष्णा जी से प्रेम नहीं करती तो क्या आप तक पहुंचा सकती उस प्रेम को आपको महसूस करा सकती पहले मुझे करना पड़ा ना वो प्रेम बस वही बात है तो अब अब बहुत हो गया अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलिए छोटे छोटे चीजें ऑर्गेनाइज करिए बट ट्राई करिए टाइम कम है हमारे पास बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाएगा अभी हम लोग यंग है हम फिर भी कर सकते हैं तो सिर्फ मैं अपने घर पे बैठ के अपने प्रैक्टिसेस करूंगी ये सेल्फिशनेस है करना तो है ही ये अब क्या है और लोगों में जागरूकता लाना क्योंकि जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे भक्ति डिफिकल्ट हो जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा जो कि उसमें उपनिषद में लिखा हुआ है कि जो भगवान का नाम लेगा उसको मार डाला जाएगा तो जब तक इतनी दुर्दशा नहीं आ रही है हम लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम ये काम कर लेने की ओके तो आप सब लोग हो मेरे साथ इस मिशन में एटलीस्ट एक अप uh, ही दे दीजिए तो मुझे समझेगा कि हाँ okay. तो लेट्स डू इट हम सब मिलकर ही कर सकते हैं हमें सिर्फ अपने पापा का इंट्रोडक्शन देना है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं इतना ही करना है डरने वाली कोई बात नहीं मी को डिलीट कर दीजिए आप मी को रखोगे ना मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे मैं मैं क्या बोलूंगी मैं कुछ गलत बोल दू तो क्या होगा ये सब डिलीट कर दीजिए मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरा जॉब मैं कहाँ से टाइम निकालूंगी अगेन मी 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 डिलीट कर दीजिए हमेशा ही रहेगा काम की तो कमी नहीं होगी पर काम करते करते भी हम बात कर ही सकते हैं कृष्णा जी के बारे में ग्रुप के बारे में वो रेडिएट तो कर ही सकते हैं ना वो लव ठीक है सो आई थिंक आज एन वन का रहना देता नेक्स्ट सेशन वी विल डू तो थैंक यू प्रेयर बोल देते हैं आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन वाली तो आज कुछ डिस्कशन हुई भी नहीं थी अनंदिता थैंक यू वेरी मच ज्ञानेश्वरी आप uh, तूने बहुत अच्छे से समझाया आई एंजॉय इट और uh, और किसी को कुछ बोलना है कि मैं थैंक यू प्रेयर बोल दूं। क्लियर वन सब ठीक ठाक चैट वाला है मैम बाकी सब ठीक ठाक है एंड आ, यहाँ पे सेशन की चैट्स में देर आर नॉट मेनी वो कुछ ऐसा न्यू चैट मैसेजेस नहीं आए मोस्टली पीपल ने वो थम्स अप वाला ही आ, करके भेजा है वो भी मोस्टली नहीं भेजा है पांच छह जनों ने भेजा है बाकी लोगों uh, को फर्क नहीं पड़ता कईयों ने रिएक्ट किया था एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस का आ, वो आया है आ, थम्स अप और हरप्रीत का आया कि आई वॉन्ट टू से समथिंग हरप्रीत का भी आया हरप्रीत आप चैट पे लिख दोगे क्या आई कैन रीड इट आउट इफ इट्स नॉट वेरी अर्जेंट मोस्टली आई थिंक थम्स अप सब ने रिएक्शन में डाला था ठीक है अपने मन में थम्स अप एटलीस्ट बोल दो और भी थम्स अप आ गया चैट में और आ, हाँ हरप्रीत का है कि इट्स लॉन्ग बट नॉट अर्जेंट आई कैन से इन एनी अदर सेशन नो इश्यूज तो मैं इनका नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे नेक्स्ट सेशन में तो फिर मैं वही करती हूँ थैंक यू प्रेयर बोल देती हूँ और जो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया वो अपने फ्रेंड्स को या अपने मेंटर्स को बोल दो कि इफ यू लाइक द सेशन पहला पहला सेशन है तो शायद आप इतना सब समझ भी नहीं पाए होंगे बट एट्स ओके सोल का सोल क्लेंग का काम हो गया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदे गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपात की जय हे राधा कृष्ण थैंक यू सो मच इस सेशन में आने के लिए स्तुति करने का मौका देने के लिए प्रभु हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम आपकी स्तुति कर भी पाते हैं बाकी लोगों का तो ये भाग्य भी नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ भी जाने महसूस करे समझे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं प्रभु की हम आपकी स्तुति कर पाते हैं स्तुति सुन पाते हैं स्तुति समझ पाते हैं इस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत थैंक यू हमारे हमें अपने चरणों में हमेशा जगह दीजिए प्रभु राधे कृष्ण ठीक है बाय बाय सब लोग और एस uh, अपडेट कर दो और बाकी सच में सबको मोटिवेट करो टू टू एसपीसी एट लीस्ट हम लोग 500 प्लस अगर जा सकते हैं एसबीसी में तो इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू है ना बाकी लोगों से प्रेरणा लो हरे कृष्णा बाय-बाय मैं अब सेशन एंड करूंगी आप लोग प्लीज अब नेक्स्ट वीक ज्वाइन करें ओके हरे कृष्णा